ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्माय श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्या मनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीजुतापदकमलं श्री श्रीरूपं सागरजातां सहगणा लघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश <coughs> नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीतिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पशतादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमने गौतुसे नमः वञ्चकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु बे वचा, पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः <laughs> हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हरि प्रिये जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाश्रिवासादिगौ भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सो आप सभी का स्वागत है आज के इस भक्ति शास्त्री सत्र में जहाँ पर हम ईशोपनिषद से चर्चा करेंगे इस ग्रंथ का नाम है श्री ईश उपनिषद उपनिषद क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे उप नी शद उप मतलब नज़दीक मर नी आ, उप मतलब बैठना नी मतलब नज़दीक शद आकर विच मीन्स उपनिषद का मतलब ये जो उपनिषद हैं जो श्रुति शास्त्र के भाग हैं ये ऋषि मुनियों के द्वारा उनके शिष्यों के द्वारा प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके उपरांत ये बोले गए हैं वचन और उनको कहा जाता है उपनिषद जहाँ पे शिष्य अपने गुरु के चरण कमल के समीप बैठकर उनसे प्रश्न करता है और उसके उपरांत उनको जवाब दिया गया है ये श्री ईशु उपनिषद समस्त उपनिषद में एक प्रकार से सबसे छोटा ग्रंथ कहा जा सकता है दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ अ उपनिषद जिसमें ग्रंथ जिसमें 40 अध्याय हैं और 40 अध्याय का ये आखिरी अध्याय है फोर्टीथ uh, चैप्टर जिसके अंदर 18 श्लोक आते हैं और इसका नाम श्री ईशु उपनिषद क्यों कहा गया है क्योंकि ये जो नाम है इसके पहले श्लोक के ऊपर है आइए एक बार पहला श्लोक देख लेते हैं क्या है आ, जो फर्स्ट श्लोका है इस ग्रंथ का वो है ईशवास्यम इदम सर्व यगत जगत तेन तक तेन मागदा कस्य स्वधन ईशवास्यम इदम सर्व आम जगत तो ये जो पहला श्लोका है इस उपनिषद का जिसका नाम श्री ईश उपनिषद है ईश्वनिषद है वो स्थापित करता है ईश्वर की स्थिति को वी आर नॉट द कंट्रोलर्स बट द लॉर्ड इज द सुप्रीम कंट्रोलर सो ई दिस ग्रंथ और दिस टेक्स्ट एक्सक्लूसिवली टॉक्स अबाउट ईशा यहाँ ईश की बात करी गई है यह जीव की बात करी गई है और जीव का ईश के संग संबंध क्या है या तुलना क्या है उस प्रकार से हम कह सकते हैं उस प्रकार से चर्चा की गई है हंड्रेड एंड एट उपनिषद एक सौ आठ उपनिषद हैं अगर आप देखेंगे हमारे भक्ति शास्त्री सिलेबस में चार किताबें का चयन किया गया है ईशो उपनिषद भगवद गीता उपदेश एंड भक्ति रसामृत सिंधु तो जो वैदिक नॉलेज होती है वैदिक नॉलेज मतलब संपूर्ण ज्ञान I'll I'll go in little bit of details today. उससे पहले I'm just going a little introduction. Vedic knowledge का जो विभाजन है there are two branches of Vedic knowledge, two या three we can say largely श्रुति and स्मृति और न्याय भी कहा जाता है Let's talk about श्रुति and स्मृति right now. श्रुति and स्मृति श्रुति मतलब सुनना स्मृति मतलब स्मरण से so, शास्त्र वह है जो साक्षात भगवान के वचन कहे गए हैं स्मृति शास्त्र क्या है उदाहरण के रूप में अगर शास्त्र में अगर कुछ कोड्स दिए गए हैं तो स्मृति शास्त्र के माध्यम से उन कोड्स को समझाया गया है यही कहिए अगर शास्त्र में Uh, कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं तो स्मृति शास्त्र के माध्यम से उन प्रिंसिपल्स को जीवन में उतार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने का उदाहरण दिया गया केस स्टडी प्रेजेंट करी गई है दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन श्रुति एंड स्मृति तो जो शास्त्र हैं वो किनके द्वारा बोले गए हैं uh, जैसे कि शास्त्र की जब चर्चा आती है शास्त्र मतलब आप मतलब ये मैन मेड नहीं है मैन मेड का मतलब क्या है जब भी हमारे द्वारा कुछ करा होता है तो शिला रूपा जी हम आज का जो विषय है हमारा इंट्रोडक्शन विषय है तो मैं भी आपको इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ फिर हम इस पर चर्चा करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी बात करी थी सब प्रथम जीवात्मा कोई भी कार्य अपने आप करता है तो वह चार कमियों या चार कमियाँ उसके अंदर होती हैं एम आई एस सी एज एन एक्रोनियम कैन रिमेम्बर टेंडेंसी टू मेक मिस्टेक्स टू बीलूशन इन परफेक्ट चीटिंग प्रोपेसिटी वेलकम बैक टू इट इसको हम दोबारा से समझाएंगे मैं सिर्फ अभी शुरुआत में बात कर रहा हूँ तो ये चार भेद या चार परेशानियां होने के कारण हमारे द्वारा जो भी किया जाता है वो कभी पूर्णतः सफल या शुद्ध नहीं हो सकता तो इसलिए जब ये शास्त्र ये भगवान के द्वारा बोले गए हैं जो स्मृति शास्त्र हैं ये जैसे व्यासदेव और इत्यादि जैसे वाल्मीकि मुनि के द्वारा रामायण का कंपाइलेशन हुआ तो ये जो सेजेस हैं जो ऋषि मुनि हैं वह ये वह लोग हैं जो इन चार प्रकार के डिफेक्ट्स और कमियों से ऊपर उठ चुके हैं दे आर नॉट अफेक्टेड बाय दिस फोर्ड इफेक्ट्स उनके द्वारा लिखे हुए शास्त्र को स्वीकारा जाता है ये श्रुति व स्मृति शास्त्र हैं तो ये जो हमारी चार किताबें हैं मैं उसकी बात कर रहा था श्री यीशु परिषद उसको कहा जाएगा वेदिक क्योंकि श्रुति यू you नो know, ये उपनिषद उसका भाग है uh, uh, करके ऑफ कोर्स भगवदगीता वुड ऑल्सो भी सेड लाइक दैट भगवदगीता को एक प्रकार से स्मृति शास्त्र में भी कहा जाता है क्योंकि महाभारत में भगवद गीता पाई गई है तो ये हुआ श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र अब आपका नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ डिवोशन क्या है वह है गौड़िया वैष्णवा अगर आपको देखा जाए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन या नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और भक्ति रसामित सिंधु उपदेशामित और भक्ति रसामित सिंधु जो हैं वे पर्टिकुलर टेक्स्ट हैं जो गौड़िया वैष्णवों के लिए लिखे गए हैं सो so अगर आप जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन देखेंगे इसका तो ये चार किताबें हमें बहुत स्पेसिफिक गोल पे लेकर आती हैं पहले जनरल अवेयरनेस ईशोपनिषद के माध्यम से ईशोपनिषद का जो ग्रंथ है उससे हमें पता चलता है भगवान है पहली चीज दूसरा भगवान पर्सनल भी है इम्पर्सनल भी हैं भगवान निरंकार भी हैं भगवान का आकार भी है तो ये ईशोपनिषद इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वह है मायावाद का खंडन करना इसलिए इसको प्रीचिंग एप्लीकेशन का ग्रंथ भी कहा जाता है प्रोपा जी ने इसको क्यों भक्तिशास्त्रीय सिलेबस में डाला है या ग्रंथ में डाला है पढ़ने के लिए ताकि कोई व्यक्ति या कोई पंडित शास्त्र शास्त्रों के बल पर यह कहता है कि देखिए भगवान तो निराकार है तो हम ईश्वरपनिषद को कोट कर कर उनको समझा सकें कि नहीं इन्हीं श्रुति शास्त्रों के अंदर बताया हुआ है कि भगवान का आकार भी है भगवान का स्वरूप भी है तो इस ग्रंथ को प्रमुख था मायावाद जो फिलासफी उसका खंडन करने के लिए तो ये हुआ एक जनरल अवेयरनेस भगवान है भगवान कौन है वो नहीं समझाया गया भगवान है तो अगर आप इसके पपर्स पढ़ेंगे ना देर इज अ वेरी यूनिक फीचर्स ऑफ प्रोपाज पर्प क्या यूनिक फीचर है वह यह है कि प्रोपाजी ने कहीं पर भी कृष्ण का शब्द का उपयोग नहीं किया है यहाँ तक कि विष्णु शब्द का उपयोग भी नहीं करा ऑफकोर्स आई गेट इन टूट लॉट ऑफ डिटेल्स अगर हम इसकी बात करेंगे जस्ट टू गिव एन आइडिया जब शास्त्र की बात आती है वैदिक हिम्स की बात आती है तो वहाँ पर ओम तद विष्णु परमम पदम लाइक like दैट आपको बहुत विष्णु शब्द का आपको उल्लेख मिलेगा पर कृष्ण शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है मैं अभी हाल ही में ही मैंने इस विषय पे चर्चा करी थी अगर विषय को आप जाने के लिए इच्छुक हो आई सेंड यू द रिकॉर्डिंग ऑफ इट क्यों इस बारे में इतना उल्लेख नहीं किया गया है आपको मैं अभी यहाँ पर एक दो उदाहरण दे देता हूँ समझाने के लिए कारण क्या है आम, तीन प्रकार की मानसिकता होती हैं लोगों की अगर देखी जाए थ्री काइंड ऑफ मेंटालिटी पहली मेंटालिटी क्या है भगवान है ही नहीं जीवन का उद्देश्य है भोगना हम ही भगवान है या हम भगवान करने का प्रयत्न करते हैं यह है पहली मेंटालिटी इसको कहते हैं नास्तिकवाद दूसरी मेंटालिटी आती है जो शास्त्र पढ़कर या शास्त्र का कर अध्ययन करके लोगों के अंदर डेवलप होता है वो क्या है भगवान है पर भगवान कंट्रोलर हैं भगवान प्रोप्राइटर हैं भगवान इज अवर फादर तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए आज्ञा का पालन भी करेंगे पर हम अपनी इंद्रियों को भी भोगेंगे न भगवान इज़ अ फादर फादर का मतलब क्या हुआ उनको हमारा संरक्षण करना है ही सपोज टू प्रोटेक्ट अस ही सपोज टू प्रोवाइड फॉर अस इसलिए आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में मंदिर जाने का अर्थ होता है मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करना है प्रभु आप मेरे लिए ये करिए आप मेरे लिए वो करिए यह है सेकेंड मैंटेलिटी अब ये है आस्तिक है यू नो इनका भगवान में श्रद्धा है तो जो वैदिक शास्त्र प्रमुखता जो होते हैं उपनिषद इत्यादि वह इस मेंटालिटी को प्रमुखता डेवलप करते हैं कि भगवान है भगवान पिता है हम भगवान के पुत्र या भगवान के अंश हैं और भगवान ही हमारे लिए सब कुछ प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमारा लेन देन का संबंध बना रहता है तीसरी मानसिकता आती है वह है दिस इज ग्रेडेशन्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस तीसरी कॉन्शियसनेस है भगवान है केवल भगवान हमारे पिता नहीं भगवान हम भगवान के संग प्रेम में संबंध बना सकते हैं भगवान की सेवा कर सकते हैं द लॉर्ड इज नॉट ओनली माई फादर बट लॉर्ड इज ऑल्सो माई फ्रेंड लॉर्ड इज ऑल्सो माई लवर यह है तीसरी मानसिकता जहाँ अब पांच प्रकार के जो रस बताए गए हैं जिसको आप भक्ति रसाम सिंधु में पढ़ेंगे शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रस अब स्थिति में भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है जैसे जैसे उसका रसा यू नो आगे बढ़ता है शांत से दास दास से साके साके से वासले वासले माधुर्य वैसे वैसे उसके अंदर भगवान के ऊपर निर्भर होने की जगह उनको लगता है कि भगवान उनके ऊपर निर्भर है उस प्रकार से उनका सेवा का भाव बढ़ता है सो तो जो हमारे शास्त्र हैं पर्टिकुलरली गौड़िया शास्त्र जैसे उपदेशा मित्र भक्तिरसा में सिंधु ये इस तीसरी मानसिकता के बारे में जोड़ देते हैं केवल भगवान हमारे यू नो हिज नॉट ओनली लीवर प्रोटेक्टर हिज नॉट ओनली लीवर मेंटेनर इनफैक्ट भगवान के संग हम प्रेममय संबंध भगवान की हम सेवा कर सकते हैं उस प्रकार से उल्लेख किया गया है सो so, ईशोपनिषद जो ग्रंथ है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे उस प्रकार वह ये इस्टेब्लिश करता है भगवान है भगवान निरंकार भी है और भगवान का आकार भी है दर आर थ्री लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन ब्रह्मण परमात्मा एंड भगवान रियलाइजेशन उस प्रकार से इस ग्रंथ में जोड़ दिया गया है यह है श्री ईशुपनिषद और इसका पढ़ने का उद्देश्य ताकि कोई अगर श्रुति शास्त्र के बल पे यह कहे कि देखो भगवान तो निरंकार हैं तो हम इस शास्त्र को कोट करके कह सकते हैं भगवान का आकार भी है अ थिंग अबाउट इट ओके सो लिटिल ओवरव्यू ऑफ दिस यीशु क्या है इसके अंदर अट्ठारह श्लोक हैं एज अ सेल ये ग्रंथ कुछ शुद्ध भक्ति का इसका उद्देश्य हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करना है शुद्ध भक्ति सिखाना नहीं है इस ग्रंथ का उद्देश्य है ये बताना भगवान है और जो भगवान के शरण लेते हैं भगवान को समझते हैं उनकी गति क्या है जो भगवान को नहीं समझते उनकी गति क्या है भगवान निरंकार आकार दोनों इस प्रकार से उल्लेख किया गया है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम थोड़ा वैदिक नॉलेज क्या है उसके बारे में समझने का प्रयत्न करेंगे सो ईश्वर परिषद में बताया गया भगवान है भगवदगीता में बताया गया भगवान कौन है ईश्वर परिषद में भगवान बताए गए हैं कि भगवान का आकार है और भगवदगीता के माध्यम से भगवान के उस आकार का उल्लेख होता है ग्यारहवें अध्याय में टू हैंडेड फॉर्म के बारे में जो चर्चा आती है सबसे सौंदर्य सबसे आकर्षित भगवान का जो स्वरूप है वो है टू फॉर्म भगवान श्री कृष्ण का और जब नेक्ट ऑफ उप इंस्ट्रक्शन उपदेशा में तो भक्ति रसामय सिंधु की बात आती है तो कैसे हम उस भगवान के संग संबंध डेवलप कर सकते हैं वो उपदेशा में सिखाता है और भक्ति रसा में सिंधु वो तो बताता ही है कि संबंध कैसे बनाना है साथ ही साथ भगवान के संग संबंध बना के जो गति प्राप्त होती है उस स्थिति का भी अनुभव कराता है इसको श्री चैतन्य महाप्रभु तीन प्रकार के ज्ञान के रूप में प्रकट करते हैं संबंध ज्ञान अभिधेय ज्ञान एंड प्रयोजन ज्ञान सुभगवदगीता एंड ईश्वपनिषद जो ग्रंथ हैं आपके संबंध ज्ञान कैटेगरी में आएंगे संबंध ज्ञान कैटेगरी का मतलब हुआ संबंध मैं कौन हूँ भगवान कौन है और मेरा भगवान के संग संबंध क्या है इसको कहा जाता है संबंध ज्ञान अभिधेय वैदिक नॉलेज जो होती है वैदिक नॉलेज का उद्देश्य होता है मेमोराइज करना नहीं वैदिक नॉलेज का उद्देश्य ये नहीं होता कि हमारा रेसिटेशन कितना अच्छा है वैदिक नॉलेज का उद्देश्य होता है प्रैक्टिस एप्लीकेशन तो हमने अब ये तो जान लिया कि मैं कौन हूँ भगवान कौन है परंतु अब उसको अपने जीवन में कैसे उतारे ज्ञान को उसको कहा जाता है अभी दिये. अब भगवान कौन है मैं कौन हूँ मेरा संबंध क्या है भगवान के संग मैं भगवान का सेवक हूँ तो उसको मैं कैसे रियलाइज़ करूँ मैं सेवक हूँ ये कहना कि मैं सेवा को सफिशेंट नहीं है तो उसको रियलाइज करने के लिए फिर आता है अभिधेय अभिधेय के माध्यम से हमें रूल्स रेगुलेशंस या नियम बताए जाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए और प्रयोजन क्या है डेस्टिनेशन जिसको साधना और साध्य भी कहा जाता है अभिधेय हुआ साधना अब प्रैक्टिस एंड प्रयोजन हुआ साध्य द गोल ऑफ प्रैक्टिस लव ऑफ गॉड हेड वो स्थिति क्या होती है उसको बताया गया है इस प्रकार से सो दिस इज़ अबाउट दीज फोर बुक्स और उस प्रकार से इन चार बुकों के कॉन्टेक्स्ट में यीशु परिषद क्या क्या स्थिति है क्या सर खाता है वो मैंने समझाने का आपको अब तक का प्रयत्न किया करके वन और टू फोर पॉइंट्स आर कमिंग टू माई माइंड जैसे कि आपने देखा होगा प्रभाल जी ने कई बार अपने शास्त्र में जोर दिया ब्राह्मणास uh, uh, वैष्णवा विषय के ऊपर पे प्रभा जी कहते थे और कहा है प्रभुपा जी के द्वारा ग्रंथों में लिखा हुआ कि वैष्णव सब ब्राह्मण होते हैं पर सब ब्राह्मण नॉट नेसेसरी वैष्णव होते हैं एक दृष्टिकोण क्या है ब्राह्मण और वैष्णव के अंदर ब्राह्मण कौन है जिसको कई बार हम समाथा ब्राह्मण भी कहते हैं जो नियम में अटक कर रह जाते हैं नियम अटक के मतलब हमारा प्रोनाउंसिएशन मीटर रेसिटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए क्योंकि यस जो वैदिक शास्त्र हैं पर्टिकुलरली जो चार वेद ऋग सम यजर अथर्वेदा हर एक को प्रोनाउंस करने का अपना एक मीटर है एक टोन है तो कई बार व्यक्ति इन एक्सटर्नल चीज़ों में अटक कर रह जाता है पर वह मिल जाता है इन शास्त्र का उद्देश्य क्या है वेदाश्च सर्वेर अहम एव वेदांत वेदांतकृत वेदविद एव चाहम इन शास्त्र का उद्देश्य है भगवान को समझना भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न करना अदरवाइज एवरीथिंग इज श्रमा एवा ही केवलम तो सोचिए अगर कोई बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है और उस प्रिस्क्रिप्शन को देख कर या वो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन को क्या कहेंगे हिंदी में पर्चा मेडिकल डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा दिया गया है आपको दवाई का सोचिए आप उस पर्चे को देख के उसको देखने लगते हैं अरे यार इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक तो बहुत सारी हैं उसने दवाई के बारे में लिखा है पर फुल सेंटेंस नहीं लिखा है वो इज़ आर वॉज मिस कर गया है ये आपके स्मारथा ब्राह्मण अरे पर्चा आपको यह एनालाइज करने के लिए नहीं दिया गया है कि लैंग्वेज कैसी है आपको पर्चा दिया गया है ताकि उस पर्चे पे लिखी हुई चीजों का पालन करके दवाइयां ग्रहण करते हैं उसको कहा गया वैष्णव वही दस्य सर्वे अहम एवं वेदांत वेद वेद एवं क्यों क्योंकि अब है शास्त्र को उद्देश्य समझ कर उसका पालन करने का प्रयत्न कर रहे ब्राह्मण इन जनरल जो केवल नियमों में फंस के रह जाते हैं जो लैंग्वेज में फंस के रह जाते हैं जो मीटर में फंस के रह जाते हैं उनको कहा गया ब्राह्मण उस प्रकार से ये, है so, सो इसलिए शिला प्रभुपाल जी की कृपा के माध्यम से हम लोग यह कहिए पहली बार एटलीस्ट आई कैन फॉर माई सेल्फ वैदिक संस्कृति से कहीं ना कहीं थोड़ा तो हमारा भी कनेक्शन रहा है भारत में जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ तो आ, कुछ संस्कृति बची थी परंतु उसको जीवन में कैसे उतारना है उसका पालन कैसे करना है वो शिला प्रभुपा जी के आ, टीचिंग्स के माध्यम से पता चला ऑल राइट दिस इज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर सो आई शुरुआत करते हैं तो जैसे मैंने कहा आज का जो विषय वस्तु रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा तो अगर आप अपने ग्रंथ के इंट्रोडक्शन में जाएंगे तो ये जो इंट्रोडक्शन है शिला प्रभुपाद जी का ये एक्चुअली आई बिलीव 1968 या 67 में शिला प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया था उस लेक्चर के बेसिस पे इस इंट्रोडक्शन को तैयार किया गया है नाउ सेकेंड थिंग अबाउट दिस बुक एज ईश उपनिषद ये प्रभुपाद जी ने आ, कोई फॉर्मली ये बुक लिखी नहीं थी ये प्रभुपाद जी ने इन श्लोकों का जो ये अट्ठारह श्लोक हैं इसके ऊपर अट्ठारह आर्टिकल्स लिखे थे बैक टू गॉड एड मैगजीन में आ, उसके बाद कुछ समय के बाद शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी की आज्ञा से उन अट्ठारह आर्टिकल्स को निकाल कर उसको इस प्रकार बुक के फॉर्मेट में पब्लिश किया है दैसे लल बट अबाउट दिस हाउ दिस बुक केम इन टू एग्जिस्टेंस फाइन सो आई विल गिव अ क्विक प्रजेंटेशन So दो चीज़ करने वाले हैं हम आज के सत्र में अगर आप लोग की आज्ञा हो एक तो ये हम सब बैठ के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या तो ऐसे करते हैं पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सरल पार्ट है इससे पहले कि मैं कॉम्प्लीकेटेड पार्ट में जाऊँ कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है वैदिक नॉलेज जो ये श्रुति या स्मृति शास्त्र है उसका थोड़ा मैं उल्लेख करना चाहूँगा ये क्या होते हैं ये रिग यजुर साम अथर्वेद इत्यादि इत्यादि क्या है थोड़ा हाई लेवल एक बार हम डिस्कशन करना चाहेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको याद रखना तो इससे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं और मे बी जस्ट मैं एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन करता हूँ पहले वेदास क्या है उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन पे प्लान दैट वे ईश उपनिषद इसका मैं उल्लेख कर ही चुका हूँ ये क्या है आ, किस प्रकार से उपाजी ने इसकी रचना करी हमने साथ ही साथ तीन प्रकार के बिलीफ सिस्टम की बात करी नास्तिकवाद आस्तिक में भगवान मेरे पिता और उसके बाद हाइएस इज हम भगवान की सेवा कर सकते हैं उस प्रकार से ऑल राइट तो वेद क्या है वेद शब्द का है आ, वेद शब्द मतलब इसका रूट है विथ विथ का मतलब है नॉलेज वेद मीन्स नॉलेज सो so, वेद क्या है अगर इसका हम एक जेनरिक मीनिंग देखें वेद का मतलब है नॉलेज ईश्वपनिषद से पता चलेगा वेद का मतलब है उसके अंदर भौतिक ज्ञान एज वेल well एज़ आध्यात्मिक ज्ञान पूर्णता इस जीवन को कैसे जिया जा सकता है आ, इस भौतिक दुनिया में जीवन जीने के नियम और भौतिक दुनिया में कैसे हम सही रूप से जीवन जी सकते हैं उसका ज्ञान भी है और भौतिक दुनिया के परे या भौतिक दुनिया को छोड़कर अध्यात्म दुनिया जाने का उसका भी ज्ञान है सो तो प्रउपा जी जब वेद शब्द का उपयोग करते हैं तो तीन प्रकार से वेद शब्द का उपयोग प्रोपा जी के द्वारा किया गया है पहला अर्थ है ये कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको अगर ये कॉन्टेक्स्ट समझ जाएगा ना तो आपको ग्रंथ पढ़ने में आसानी होगी सो so, तीन प्रकार के अर्थ प्रभुपाद जी के राइटिंग्स में मिलेंगे पहला अर्थ है जेनरिक सेंस जहाँ पे वेद मतलब नॉलेज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग जीवन जीने के लिए जीवन के पार भगवत धाम जाने के लिए उसको कहा गया है वेद वैदिक नॉलेज दूसरा अर्थ प्रभुपाद जो बताते हैं वह ग्रंथ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हों और जो वैदिक शास्त्रों में शिक्षाएं दी गई हैं उसी को समझाने के लिए उसको विस्तार से लिखा गया हो उसको भी वेदाश कहा गया है और तीसरा वेद शब्द का उपयोग आता है चार वेद ऋग समा यजुर् अथर्व प्लीज रिमेंबर ये चार वेद ये केवल वेद वैदिक नॉलेज का एक अंश है ये संपूर्ण वैदिक नॉलेज नहीं है कई बार उसको ऐसे कहा जाता है जैसे यही चार वेद हों ऐसा नहीं है इसलिए कहा जाता है चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी जिनको चार वेद रट गए हों वो चतुर्वेदी हैं उस प्रकार से ठीक है so, वेद क्या है किस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से वैष्णव शब्द में भी शुरुआत में ही सेट कर देते हैं तो so, वैष्णव शब्द को लेकर भी आ, तीन प्रकार से उसके मीनिंग्स देखने को मिलते हैं प्रौपा जी के उपयोग में कैसे वैष्णव मतलब जो शास्त्र में जो ले करा गया वैष्णव मतलब होता है जो विष्णु के भक्त हों उनको वैष्णव कहा गया है उस प्रकार से उसके बाद आ, ये हुआ ब्रॉड सेंस जहाँ तक प्रभुपात की बात है प्रभुपा जी जीसस को भी वैष्णव कहा था क्यों क्योंकि क्यों, वो क्यों, भगवान को पूछते थे कौन से भगवान प्रभुपाद ने कहा भाई वो कृष्ण को ही पूछते थे और तीसरा जो एक वैष्णव शब्द का उपयोग है वह है जो कृष्ण की भक्ति करते हो उनको वैष्णव नॉट देवी देवता जो सिर्फ कृष्ण की भक्ति करते ऑफ कोर्स विष्णु की भी भक्ति करते हैं उनको वैष्णव कहा गया है सो वेद की आवश्यकता क्या है हम इस एक विशाल ब्रह्मांड में निवास करते हैं बहुत बहुत विशाल ब्रह्मांड है उसका एक छोटा सा उदाहरण है आप प्रेजेंटेशन में ही रहे होंगे हम कितने बड़े प्लानट में रहने हैं जिसका नाम है बिग अर्थ उस बड़ी सी पृथ्वी पर हम बड़े से राष्ट्र जिसका नाम है भारत आ, उस भारत राष्ट्र में हम महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं पुणे के छोटे से कोने हिंजेवाड़ी में सो वी कैन सी जस्ट वी एन आइडिया कि एक जीवात्मा इस छोटे से धरती के छोटे से भाग में रहने वाला एक व्यक्ति कैसे उस सृष्टि के बारे में या सृष्टि के निर्माता के बारे में जान सकता है जो इस सृष्टि के छोटे से भाग में छोटा सा जीव रहता हो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि आपके घर के सामने बिल्डिंग हो पचास साल पुरानी बिल्डिंग हो तो आप अपने माता पिता दादा दादी से पूछ सकते हैं आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उसका पर्चा निकाल के देख सकते हैं उस जम, बिल्डिंग का मालिक कौन है पाँच सौ साल पुरानी बनी इमारत है मुश्किल हो जाएगा हो सकता है लोग वो से पूछेंगे तो गाँव के लोग बता सकते हैं किसका है हज़ार साल दो हज़ार साल पुरानी बात डिबेट शुरू हो जाएगी वी हैड एन एक्सपीरियंस विद राम अयोध्या टेम्पल लाइक दैट और कुछ चीज़ अगर लाखों साल पुरानी हो तो हम कैसे पता करेंगे कि उसका मालिक कौन है एंड थिंक अबाउट लाखों साल क्या कोई ऐसी चीज़ जो सृष्टि के निर्माण से पहले आई हो भाई जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण करा तो सृष्टि से पहले ही आए होंगे ना तो कैसे कोई व्यक्ति अपनी सोच समझ या रिसर्च रिशर, के माध्यम से भगवान के बारे में खोज कर सकता है तो वेद का उद्देश्य क्या है ये बताना भगवान कौन है हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कोई है ऐसे कई ब्रह्मांडों के निर्माता और संरक्षक इस विशाल अभिव्यक्ति से परे ऐसे व्यक्ति को हम कैसे जान सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के सभी तरीकों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वग्रीकत किया जा सकता है थोड़ी हिंदी उटपटांग लगे तो सारा क्रेडिट गूगल ट्रांसलेट को देना अभी भी गूगल ट्रांसलेट मारा है तो मैंने कुछ खासा वेरीफाई नहीं कराया ओके ये मोटे तौर तो पर <laughs> आप समझ गए होंगे मोटे पतले तौर तो पे क्या बात हो रही है सो so, आगमनात्मक आरोही इसका मतलब होता है इंडक्टिव मुझे शब्द का मतलब तो समझ नहीं आया पर मैं चित्र देख के समझ गया हूँ क्या कह रहा है कि रिसर्च इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडक्टिव नॉलेज इसका मतलब व्यक्ति अपने प्रयत्न अपनी क्षमता के बल पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है एक तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का ये परंतु भगवदगीता में कौन से तरीका पर जोर दिया गया है भगवान सातवें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं तथ शणु मुझसे ज्ञान प्राप्त करो उसको कहा जाता है अवरोही मतलब डिसेंडिंग नॉलेज मतलब आ, एक प्रामाणिक व्यक्ति से ज्ञान की प्राप्ति करना उदाहरण के रूप में समझाया जा सकता है चीटी दुनिया के मामलों को कैसे जान सकती है चींटी कोई और नहीं है। हम ही हैं हम छोटे से जीवात्मा कैसे भगवान को समझ सकते हैं सो हकीकत तो ये है चीटी अपने स्वयं के प्रयासों अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की आरोही प्रक्रिया के माध्यम से सत्य को कभी भी नहीं जान सकती उसी प्रकार से हम अपने शोध या प्रयासों के माध्यम से भगवान के बारे में पता नहीं लगा सकते वह जो इस सृष्टि के परे हो सृष्टि के स्वयं निर्माता हो तो सृष्टि में बैठा हुआ एक व्यक्ति उस निर्माता की खोज कैसे कर सकता है जिसको खुद इस सृष्टि का पता नहीं सृष्टि का तो छोड़ो धरती का पता नहीं धरती का तो छोड़ो जिसको स्वयं अपने शरीर का ज्ञान नहीं किस प्रकार से शरीर कार्य करता है और शरीर खुद अपने में ही टेक्नोलॉजी के लिए बहुत एडवांस है उसको उसी का ज्ञान नहीं बाकी सबका ज्ञान की बाती दूर है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हैं और कहते हैं तदव्य प्रणिपाते परिप्रश्न सेवय एक आध्यात्मिक गुरु के प्राप्त पास जाकर विनम्रता पूर्वक प्रश्न कर सत्य जानने का प्रयास करें श्लोक का विस्तार से चर्चा हम भगवदीता में करेंगे हमें भगवान के बारे में अवरोही प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना होगा या सीखना होगा उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है तो प्रश्न बनता है वह कौन व्यक्ति है जो हमें भगवान के बारे में ज्ञान दे सकता है उसको कहा गया तत्व दर्शन हाँ, दर्शन दर्शन क्या होता है uh, we call it, uh, वेदिस में सद दर्शन कहा गया है सद दर्शन क्या होते हैं छह प्रकार के दर्शन दर्शन शब्द का उत, उ, 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 मतलब ओके आस्क डज एनी नो दर्शन शब्द का उपल, उ, मतलब क्या होता है दर्शन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड दर्शन हम सब लोग मंदिर सुबह हम सब नहीं दर्शन का मतलब वो नहीं होता ये बहुत yeah. हम सब लोग मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने राइट वॉट इज द मीनिंग ऑफ दर्शन दर्शन का मतलब ऑडियंस ओके okay. <laughs> right. uh, दर्शन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग तो जब हम कहते हैं मंदिर जा रहे हैं दर्शन लेने किसके दर्शन लेने जा रहे हैं भगवान के कौन है वो हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग तो उसी प्रकार से तत्वदर्शिन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवदेश ज्ञानिना तत्वदर्शन तत्वदर्शन जिसने तत्व को देखा हो जिसने भगवान को देखा हो जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका हो वही आपको भगवान का दर्शन करा सकता है दैट्स एक्चुअल ऑरिजिनल मीनिंग ऑफ वर्ड दर्शन उसको हम लोकल लैंग्वेज में जैसे भी यूज़ करना चाहें बात अलग है तो उसी बेसिस पे हमारी सद दर्शन फिलासफी है न्याय वैशिषिका योग कर्म ममामसा इत्यादि जो कि छः फिलासफर्स के द्वारा इस्टैब्लिश करी गई है जो अपनी समझ के अनुसार वॉट इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग इस्टैब्लिश करते हैं तो उसके बारे में हम आएंगे जो कि एक दृष्टिकोण से देखा जाए <coughs> वह सब नास्तिकवाद का ही प्रचार करते हैं कम टू द डिटेल्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कशन अधिकारी कौन है जिसके माध्यम से भगवान के बारे में समझ सकते हैं उसको कहा गया है वेद वेद को कहा जाता है माँ माँ के माध्यम से हमें पिता के बारे में पता चलता है पिता कौन है भगवान श्री कृष्ण तो प्रश्न बनते हैं क्या ये वेद मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए हैं कहा जाता है व्यासदेव जी के द्वारा ये ग्रंथों को लिखा गया था तो क्या ये विध मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं नहीं ये मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं संस्कृत में एक शब्द आता है जिसको कहा जाता है आ पुरुष पुरुश के द्वारा करा हुआ पुरुषेय आ पुरुषेय मतलब ये जीवात्मा के द्वारा नहीं किया गया है ये पांच प्रकार के सॉरी चार प्रकार के जो दोष होते हैं उससे ऊपर है ये चार प्रकार के दोष क्या हैं मैं आपको संस्कृत टर्मिनोलॉजी बताता हूँ जैसे श्री चैतन्य माँ ने बताई थी मैं समय नहीं मिला स्लाइड पर नहीं लिखवाया आप लोग लिख सकते हैं चार क्या है तो इंग्लिश में कहा जाता है मिस्क मिस्टेक्स सेंसिस इल्यूशन एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी इसका संस्कृत इक्विवेलेंट क्या है इम सेंसेस का मतलब होता है कारणाप्तवा कारणाप्तवा मतलब आ, या व्हाट इनसफिशिएंट सेंसिस यू नो कारण का मतलब सेंसिस हो गए अब तवा मतलब इनसफिशिएंट कारण अब तवा टेंडेंसी टू बी एल्यूज धोखा खाने की uh, जो हमारे अंदर टेंडेंसी है उसको कहा जाता है प्रमाद यू uh, नो you know, भटक जाना रास्ते uh, से उसके बाद टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स धोखा देने की चीटिंग करने की जो टेंडेंसी है उसको कहा गया है भ्रम सो so, कृपाप्ता कर्णाप्तवा प्रमाद एंड भ्रम और दूसरों को सॉरी मैं हिंदी में सही कह रहा हूँ गलत कर रहा हूँ वाट ऑज द फर्स्ट पॉइंट सेंसेस अपनी से इंद्रियों में जो कमी होती है उसको कहा गया है कर्णाप्तवा टेंडेंसी टू तो बिल्यूजन धोखा खाने की जो हमारे अंदर यू uh, नो you know, जैसे आप गर्मी के मौसम में हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है सूर्य की किरणों की परछाई के कारण ऐसा लगता है कि सामने शायद पानी है पर पानी नहीं होता उसको मिराज कहते हैं उसको कहा जाता है टेंडेंसी टू बी एल्यूशन उसको प्रमाद कहा गया है हमारे द्वारा गलती होने की जो हमारी टेंडेंसी है उसको कहा गया है भ्रम टू कमिट मिस्टेक्स और दूसरों को धोखा देना या झूठ बोलना उसको कहा गया विप्रा लिप्सा ये प्रकार के चार प्रकारों के जो ये भेद होते हैं जो ये इन भेदों से ऊपर उठा है वही वेद की रचना कर सकता है और वह कौन है वह भगवान है तो वेदों की उत्पत्ति किससे हुई है वेदों की उत्पत्ति स्वयं भगवान से हुई है तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य मुहती यथ सो so, भगवान के द्वारा ये वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित किया गया और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान नारद मुनि को नारद मुनि ने शिला व्यास देव जी को एवं परम्परा प्राप्त एवं विदुहु उस प्रकार से इसको पाया जाता है आप सब जानते होंगे ये फंडामेंटल टॉपिक है तो मैं इसको यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ uh, मैंने लास्ट टाइम करा था बट इस टाइम मैंने सोचा हम uh, इसकी जगह हम वेद के बारे में ज़्यादा समझने का प्रयत्न करेंगे वो फंडामेंटल टॉपिक ये है कि अगर हमारी संस्कृति वैदिक शास्त्रों के ऊपर ही निर्भर थी उसी के ऊपर इस्टेब्लिश थी तो आज कैसी ये परिस्थिति बन गई है कि हम उसी को भूल चुके हैं बल्कि उसको हम स्वीकारना भी नहीं चाहते बल्कि उसको हम आज माइथोलॉजी कहते हैं इस इतिहास के बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा करा था इस बार मैं उसको स्किप मार रहा हूँ अगर आपकी इच्छा होगी तो हम उसको बाद में या समय मिलेगा तो आज संक्षिप्त में बताने का प्रयत्न करेंगे बट इट्स एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री टू नो एनी तो हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम उन्हें परंपरा के माध्यम से गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं आ, ये केवल स्मृति नहीं शास्त्र का भी उल्लेख है कि एक प्रमाणिक गुरु के शरण लीजिए उनसे भगवत ज्ञान की प्राप्ति करिए सो प्रश्न बनता है अब कलयुग में क्या परिस्थिति है कलयुग की परिस्थिति बताई गई है सभ्या अल्प सभ्य मंद मत भाग्यो ही उपदता ये हमारी बाय डिफॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आलसपन सम यू uh, नो you know, पथ भ्रष्ट uh, बदकिस्मत अनलक्की एंड हमेशा हम परेशान रहते हैं ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो इतना विस्तार से जो इतना विशाल वैदिक ज्ञान है उसको कैसे याद रख सकता है आज से तारीख ये आगे व्यक्ति अपना फ़ोन नंबर भी नहीं याद रख पाता वो मोबाइल उठा के बोलता है टेल मी माई नंबर यू नो पीपल आज मोबाइल फोन वॉट्स योर नंबर लाइक दैट सो ऐसी स्थिति में कैसे ये सब याद रखा जा सकता है पहले ये जो शास्त्र था उसको मेमोराइज़ किया जाता था अट्ठारह हजार भागवतम के श्लोक चौबीस हजार रामायण के श्लोक एक हजार एक लाख महाभारत के श्लोक और करीबन सौ करोड़ श्लोकों की श्रृंखला बताई जाती है वैदिक साहित्य में जो लिखे गए हैं ये कंठस्थ हुआ करते थे क्योंकि हमारी स्थिति नहीं रही कलयुग में कलयुग के प्राणियों के लिए इसलिए शीला व्यास देव जी करुणा के मूर्तिमान साहित्य के भगवान के अवतार वह शिला व्यास वैश्यम्पाइना व्यास देव जी ने इन सभी साहित्यों की रचना करी लिखित रूप में कब कम से कम पचास और सॉरी पाँच हजार साल पहले इनकी रचना की गई ये क्या है वैदिक शास्त्र वह है इस प्रकार से ये एक ब्रीफ चार्ट है और इसको हम समझाने का प्रयत्न करेंगे क्या है वैदिक नॉलेज दो भागों में बाँटा जा सकता है श्रुति जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा सुना गया है और यह परंपरागत वो प्राप्त किया गया है स्मृति जो श्रुति शास्त्र में जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है विद लाइव के स्टडीज़ इन द फॉर्मेट ऑफ पुराणास इतिहास पंचरात्रासट्रा वो इस सब का दर्शन आता है तो तंत्र क्या होते हैं पंचरात्रास क्या होते हैं सबने सुना होगा पंचरात्रि का विधि पंचरात्रि का विधि क्या होती है सो so, जो वैदिक विधि होती है उसके अनुसार जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है वही ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन कर सकते हैं पर पंचरात्र विधि क्या है आप अगर शुद्र घर में भी जन्मे हैं तो आप ब्राह्मण तक ब्राह्मण के कर्मों का पालन कर सकते हैं तो जब शीर्ष तने में पर रूप सनातन गोस्वामी से मिले थे तब वह दबीर खास सकरम मलिक थे वह अपने आम, संस्कृति धर्म को छोड़ चुके थे नाम भी उनका परिवर्तन हो चुका था एक प्रकार से वह सर्वशेष ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था पर एक दृष्टिकोण से अब वह समाज में उस प्रकार से उनको स्वीकारा नहीं जा सकता था परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ही आ, हमारी परंपरा का एक प्रकार से आचार्य घोषित किया और उनको का विधि के अनुसार उनको आ, उनको दीक्षा दिया और उनको शिक्षा प्रदान करी तो हमारी ब्रह्मा गौड़िया परंपरा में जो डी टी होती है उसका जो विधान है वो का विधि विधान है जिसमें कुछ प्रमुख शास्त्र आते हैं नारद पंचरात्रा इत्यादि लाइक like दैट फिर पुराण है इतिहास है छः दर्शन है जिसका मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था ये सब चर्चा करते हैं फिर शास्त्र हैं श्रुति में एक अंग है वेद जिनका चार भाग है ऋग यजुर् सम अथवेद और उनको इस प्रकार इन चारों सेक्शन में उनको बांटा गया संहिता ब्राह्मणास आन उपनिषद ये क्या है हम इसका आगे चर्चा करेंगे उसके बाद उपवेद है द ब्रांचेज ऑफ वैदिक नॉलेज जहाँ आयुर्वेद आ गया धनुर्वेद आ गया इत्यादि इत्यादि फिर वेद अंग हैं ये छः प्रकार के होते हैं छः प्रकार की शिक्षा प्रणाली इसको कहा गया है इनको वेद अंग कहा गया है दिस इज ऑल अबाउट श्रुति तो एवरी वर्ड अनचेंज इटर्नली ये भगवान के द्वारा कहे गए हैं भगवान से आए हैं इसमें कोई भी फेरबदल कभी नहीं कर सकते कुछ नहीं हो सकती स्मृति क्या है जो वह ऋषि मुनि जैसे वाल्मीकि मुनि व्यास देव मुनि मुनि और सुखदेव गोस्वामी इत्यादि जो चार विकारों से ऊपर उठ चुके हैं पूर्णतः उनके द्वारा स्थापित किए हुए या तो तंत्रशास्त्र पंचरात्रा पंचरात्रा या पुराण इतिहास क्षय दर्शन इत्यादि का उल्लेख आता है फाइन दिस इज वॉट इट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ श्रुति एंड स्मृति इसको कहा जाता है प्रष्ठान त्रयात्रा मीन्स तीन चीजें श्रुति प्रष्ठान स्मृति प्रष्ठान एंड न्याय प्रष्ठान तो श्रुति में वेद उपनिषद इत्यादि स्मृति में पुराणास इतिहास और न्याय में क्या आता है वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री श्रीमदभागवतम सो so सौ सु कौलस न्याय शास्त्र तो कलयुग की स्थिति को समझते हुए शिला व्यास देव जी ने इस प्रकार से चार वेद वेद का चार भागों में विभाजन किया पहले वेद को यजुर्वेद ही कहा जाता था उसके बाद इनको इन चार भागों में इनका विभाजन किया एक वेद को चार वेदों में बांटा गया उसके बाद पुराण इतिहास की रचना की गई फिर महाभारत लिखा गया जिसमें भगवदीता पाई जाती है और उसके बाद सब करने के बाद श्रुति स्मृति फिर न्याय प्रष्ठान की स्थापना की गई दैट इज़ वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र ये पाँच फाइव हंड्रेड देयर इन इट उसकी रचना करने के बाद फिर उस पर नेचुरल कमेंट्री उन वेदांत सूत्र के ऊपर भी लिखी गई शिलभ व्यासदेव के द्वारा जिसको कहा जाता है श्रीमद भागवतम और इन सब चीज का उद्देश्य क्या है वेद सर्वे अहम एवं वेदांतकृत वेदविद एव छाहम और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं जैसे हमने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु ने तीन प्रकार बताए संबंध ज्ञान अभिधेय ज्ञान एंड प्रयोजन ज्ञान पहले ज्ञान प्राप्त करना मैं कौन हूँ भगवान कौन है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना लाइफ निर्धारित करना भगवान की सेवा करना अभिध्येय और फल की प्राप्ति करना प्रयोजना या उस रिलेशनशिप में स्थित होकर व्यवहार करना उसको कहा गया है प्रयोजना आल राइट सो अब हमारी चर्चा होगी ये वेदास क्या है पर वो चर्चा करने से पहले आई विल पॉज किसी का कोई अब तक का कोई प्रश्न है इस चीज़ को लेकर तो हम पूछ सकते हैं और एस अब हम श्री ईश्वप का जो इंट्रोडक्शन है प्रोपाध्य के द्वारा लिखा हुआ उसका थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं फिर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है उस पर हम प्रयत्न करेंगे किसी की कोई टिप्पणी कोई क्लैरिफिकेशन आई होप आई एम नॉट मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड दिस इंट्रोडक्शन अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आगे आगे देखो होता है क्या ये ईश्वपनिषद है उपनिषद का भाग अभी तो शुरुआत है अभी तो और बाउंसर्स आएंगी आगे की जब श्लोक आएंगे ना विल बी वेरी इंटरेस्टिंग ओके okay, सो so आइए इंट्रोडक्शन तो हम अब इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे ये एक्चुअली 1969 में प्रभुपाद जी के द्वारा लंदन में लेक्चर दिया गया था और उस पर अभी यहाँ चर्चा की गई है संश्चित में प्रेजेंट किया गया है बहुत खूबसूरत है आइए इसको पढ़ते हैं पढ़ने से पहले पढ़ने की विधि बता देते हैं मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ आई होप ऑल ऑफ़ यू हैव योर बुक विद यू ऑल ऑफ यू हैव योर पेन विद यू तो बेस्ट वे पर्टिकुलरली इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वरना ये सब्जेक्ट थोड़ा जटिल हो जाएगा हम एक पैराग्राफ पढ़ेंगे सो विल रीड थ्रू द होल इंट्रोडक्शन टुडे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं आप सबसे प्रश्न पूछूंगा वो प्रश्न रहेगा इस पैराग्राफ का सबसे सूटेबल टाइटल क्या है और टाइटल क्या होगा टाइटल वही होगा जो इस पैराग्राफ का मूल विषय होगा आई एम सेंग टाइटल नॉट डिस्क्रिप्शन टाइटल मतलब तीन चार शब्द से बड़ा नहीं होना चाहिए और उस टाइटल को निर्धारित करके उस पैराग्राफ के ऊपर लिख दीजिएगा अगर हम ऐसे करके ये सारे इसमें करीबन आठ या बारह पैरा हैं अगर इसको ऐसा करेंगे ना और उसके बाद लेटर इन द डे आप फिर अगर ईश्वपनिषद को खोल के केवल टाइटल्स को पढ़ेंगे टाइटल्स को रिवाइज़ करने में मुश्किल से दस सेकेंड भी नहीं लगेंगे माना चलो एक मिनट भी लग गया आपका एक मिनट के अंदर पूरा का पूरा, पूरा इंट्रोडक्शन रिवाइज हो गया मेक सेंस सो so, ये थोड़ा विधि बनाने वाले हैं क्योंकि तात्पर्य थोड़े बड़े रहेंगे इस ग्रंथ के लिए सो so, ताकि आप लोग को याद रहे हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं जब परपर्ट पे ध्यान दें वरना यही होता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन परपर्ट पर, -पर, पर, -पर खत्म होते फिर हम पूछते हैं ये किस बारे में था ये वॉट वॉज दिस ट्रांसलेशन अबाउट सो इसे अवॉइड करने के लिए ठीक है सो लेट स्टार्ट विद इट प्लीज़ uh, रीड और उसके बाद uh, आप स्टार्टिंग में एक दो पैराग्राफ का आप लोग टाइटल दीजिएगा अदरवाइज आफ्टर दर आल कीप गिविंग यू टाइटल्स वी कैन गो क्विकली प्लीज़ स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन देवियों और तथा सज्जनों आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षा है वेद क्या है संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है वेद का अर्थ है ज्ञान कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है क्योंकि वेदों की शिक्षा मूल ज्ञान है बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती है बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं पहला दोष है पहला दोष यह है, है कि वह त्रुटियां करता है उदाहरणार्थ हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियाँ की यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में न जाए मेरे कुछ मित्र हैं और उन्होंने सुना कि वहाँ खतरा है लेकिन किंतु उन्होंने एक न सुनी उन्होंने जाने का हट किया और वो मारे गए महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं त्रुटिया करते हैं त्रुटि करना मनुष्य का स्वभाव है यह बद्ध आत्मा का एक दोष है आपके अनुसार इस पैराग्राफ को आप क्या टाइटल देना चाहेंगे वट इज़ द मेन पॉइंट सब्जेक्ट मैचर ऑफ दिस पैराग्राफ मेकिंग मिस्टेक्स और क्या टू आर इज ह्यूमन ओके वट एल्स या आई मीन आपने जो कहा वो सब सही है uh, मैंने भी फोर डिफेक्ट्स लिखा है क्योंकि फोर डिफेक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दी गई है उसके बाद चर्चा की गई है उसमें से पहले डिफेक्ट के बारे में उदाहरण दिया गया है। एंड pretty इंटरेस्टिंग लेट मी आस्क यू प्रभुपाद जी यहाँ पे कोई और नहीं तो महात्मा गांधी 1969 की बात है ये गांधी जी बड़े प्रसिद्ध रहे होंगे उस समय पचास साठ साल के बाद इतने प्रसिद्ध है तो सोचिए उस समय कितना प्रसिद्ध होंगे और ये लंडन ब्रिटेन में बैठ के ये वो गांधी जी हैं ना जिन्होंने संधि करी थी ब्रिटिशर्स के संग आ, सो देश को स्वतंत्र कराने के लिए तो प्रभुपाद जी को कोई और नमूना नहीं मिला उदाहरण देने के लिए तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि प्रभुपाल जी ने महात्मा गांधी का उदाहरण क्यों लिया गलती तो सभी करते हैं एंड द आइडिया इज एज यू सी देन प्रभुपाद कोटेड एग्जाम्पल ऑफ प्रेजिडेंट कैनेडी ये बताने का प्रयत्न किया आप कितने ही महान क्यों ना हो जाओ कितने ही प्रसिद्ध क्यों ना हो जाओ चाहे कितने ही लोग आपकी पूजा क्यों ना करें परंतु मनुष्य होने के कारण गलती हर कोई करता है ये मत सोचना अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ मैं बहुत रईस हूँ तो मैं अब गलतियाँ नहीं करता नहीं नहीं महात्मा गांधी प्रेसिडेंट कैनेडी उनके द्वारा भी गलती हुई है ठीक है ऑल लाइट्स सो चार डिफेक्ट्स के ऊपर चर्चा हो रही है तो टाइटल कुड बी गिवन फोर डिफेक्ट्स प्लीज राइट ऑन यूर बुक लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ आइए अगले पैराग्राफ पे चर्चा करते हैं जहाँ पर उपाय अब अगले डिफेक्ट की चर्चा करेंगे पढ़िए दूसरा दोष है भ्रमित होना भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना अर्थात माया माया का अर्थ है जो नहीं है प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या है तो आप सब कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूं मैं धनी व्यक्ति हूं मैं यह हूं मैं वह हूं ये सब भ्रम तो के बारे में चर्चा की गई है आगे, आगे तिश्रा दो से धोखा देने की प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों न हो किंतु वह भी अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है लेकिन वह सिद्धांत बनाता है मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है वह वैसा है लेकिन उसे अपनी खुद की स्थिति का ज्ञान नहीं होता वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है यद्यपि वह अपूर्ण है यही उसका रोग है यही धोखाधड़ी है तो इसका शीर्षक हुआ चीटिंग यह सरल है चौथा पढ़िए अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है तो प्रोपा जी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं सिंपल right. हमारी इंद्रिया अपूर्ण है हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है प्राय कोई व्यक्ति चुनौती देगा क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी यदि आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कर कभी नहीं कर सकोगे यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथ को भी नहीं देख सकते अतएव आपके पास देखने की शक्ति ही क्या है अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते बद्धावस्था में इन सारे दोषों की दोषों के होते हुए हम किसी का पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते न ही हम स्वयं संपूर्ण हैं अतव हम वेदों को यथारूप से यथारूप में स्वीकार करते हैं सो so, इसका शीर्षक रहा अपूर्ण इंद्रिया या इम्परफेक्शन इंग्लिश में सो आई होप ऑल ऑफ यू जब हम ये पढ़ रहे हैं एटलीस्ट मैंने बाकी ग्रंथों में तो सारे तात्पर्य एज इट इज़ नहीं पढ़े पूरे आई विल गिव यू द समरी दैट टाइम बट यहाँ पे हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो कृपा करके किताब अपने समक्ष रखिएगा जब हम पढ़ रहे हैं तो आप भी उसके साथ साथ पढ़िए उसके साथ साथ आपका एक रीडिंग हो जाएगा आ, किसी का कोई किसी समय प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आइए अब आगे पढ़ते हैं ये तो जो था ये सरल था फोर्ड इफेक्ट्स फोर्ड इफेक्ट्स का उदाहरण दिया गया अब आगे की बात करते हैं आप बताइएगा अगले पैराग्राफ का क्या शीर्षक होना चाहिए प्लीज रीड आउट आप वेदों को हिंदू कह सकते हैं लेकिन हिंदू नाम विदेशी है हम हिंदू नहीं हैं हमारी असली पहचान वर्णाश्रम है वर्णाश्रम वेदों के उन अनुयायियों का सूचक है जो मानव समाज में वर्ण तथा आश्रम के आठ विभागों का स्वीक को स्वीकार करते हैं चार विकास चार विभाग समाज के हैं और चार विभाग आध्यात्मिक जीवन के हैं यह वर्णाश्रम कहलाता है भगवदगीता फोर पॉइंट में कहा गया है ये विभाग सर्वत्र पाए जाते हैं क्योंकि ये ईश्वर द्वारा सृजित है समाज के विभाग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के उन मनुष्यों को सूचक का सूचक है जो यह जानते हैं कि ब्रह्म क्या है इसी प्रकार क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग बुद्धिमान मनुष्यों का अन्य वर्ग है तब वैश्य अर्थात व्यापारी वर्ग आता है यह प्राकृतिक वर्गीकरण सर्वत्र पाया जाता है यदि वैदिक सिद्धांत यही वैदिक सिद्धांत है और हम इसे स्वीकार करते हैं वैदिक सिद्धांत स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं क्योंकि उनमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती यही स्वीकृति है उदाहरणार्थ भारत में गोबर को शुद्ध माना जाता है फिर भी गोबर पशु का मल है एक स्थान पर आप यह वैदिक आदेश पाएंगे कि यदि आप मल को छू लेते हैं तो आपको तुरंत स्नान करना होगा लेकिन दूसरे स्थान पर कहा गया है कि गाय का मल गोबर शुद्ध होता है यदि आप किसी अशुद्ध स्थान को गोबर में लिप दे तो वह शुद्ध हो जाता है हम साधारणतया तर्क कर सकते हैं यह विरोधाभास है, है। वास्तव में सामान्य दृष्टि में यह विरोधाभास लगता है लेकिन यह गलत नहीं है यह तथ्य है कलकत्ता के एक प्रमुख वैज्ञानी तथा डॉक्टर ने गोबर का विश्लेषण करके पता लगाया है कि इसमें समस्त रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं हरे कृष्णा आप में से कोई हिंट देना चाहेंगे इसके लिए आप क्या शीर्षक देंगे दो चीजें करी गई हैं वर्णाश्रमा एंड वैदिक प्रिंसिपल्स ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में बात करेगी दैट इज वर्णाश्रमा वैदिक प्रिंसिपल क्या है जिसकी चर्चा की गई है ओके बट ओके बट वैदिक प्रिंसिपल वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया उसके लिए थोड़ा और क्लियर टाइटल होना चाहिए ओके okay? क्योंकि ये तो केवल वैदिक प्रिंसिपल का एक उदाहरण दिया हुआ है कि कैसे अगर वेद में कुछ चीज़ लिखी हुई है हमारे इंद्रियों के अनुसार हमें समझ भी ना आए परंतु वह सत्य होता है जो वेद में लिखा है वह सत्य है सो दलाल मोर अलग डिफरेंट टाइटल जो कि एकदम से स्मरण करते इस विषय याद आ जाए क्योंकि आप जब वैदिक प्रिंसिपल बोलेंगे बाद में खुद भी सोचेंगे ना तो समझ नहीं आएगा वैदिक प्रिंसिपल व्हाट प्रिंसिपल वो तो एक प्रिंसिपल का उदाहरण दिया गया है जैसे खाव ड प्योर होता है ठीक है एनी अदर एनी वन हेल्थ वॉट कुड बी अदर टाइटल्स ऐसा नहीं टाइटल सही गलत है आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइंड आप इस सत्य को थोड़ा इंग्लिश में बताओगे मुझे समझ नहीं आया आपका सत्य है अच्छा अच्छा यूनिवर्सल ट्रुथ ऑल राइट ऑल राइट मेरा इतना अच्छा अब हिंदी नहीं है ओके यूनिवर्सल ट्रुथ ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वैदिक सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ हाँ वाट एल्स वेरी नाइस मतलब वो बोलते ही आपको पूरा पैराग्राफ का एक विषय वस्तु समझ आ गया तो दो चीज़ें दो की गई हैं यहाँ पे एक है वैदिक फॉलोअर्स कौन होते हैं वैदिक फॉलोअर्स वह हैं जो वर्णाश्रम के धर्म का पालन करते हैं करेक्ट हुआ वैदिक फॉलोअर्स वैदिक फॉलोअर्स होने का मतलब ही क्या तुम वरनाशों का पालन ना करो पहली चीज और दूसरी चीज़ जो यहाँ कही गई है वो ये है हाउ वैदिक ट्रुथ इज यूनिवर्सल जस्ट लाइक मीन निखिल प्रभु ने जो भी बहुत अच्छी तरीके से हिंदी में स्पष्ट किया आ, या वेदास आर एग्ज्योम एक्जियो, एग्ज्योमेटिक ट्रुथ जो भी वेदास में लिखा है वो सत्य है अनुदाहरण था काउदंग ठीक है सो so, ये दो विषयों पर चर्चा की गई है प्लीज कीप राइटिंग दिस टाइटल ये पूरा पढ़ने के बाद मैं आप में से किसी एक को बोलूँगा समराइज करने के लिए और समराइज करते समय सिर्फ आपको टाइटल्स बताने हैं एंड देन अ लास्ट द ऑडियंस क्या सबको स्मरण हो गया पूरे इंट्रोडक्शन का या नहीं देन यू विल एक्सपीरियंस की येस हाउ इजी इट बिकम्स टू रिमेंबर इन दिस वे ठीक है आइए अब आगे पढ़ते हैं भारत में यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति से यह कहता है तुम्हें यह करना चाहिए तो दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है तुम क्या कहना चाहते हो क्या तुम कोई वैदिक आदेश है या क्या यह कोई वैदिक आदेश है जो मैं बिना तर्क के तुम्हारा कहना मान लूँ वैदिक आदेशों की व्याख्या नहीं की जा सकती लेकिन अंततः यदि आप ध्यानपूर्वक अध्ययन करें कि ये आदेश क्यों हैं तो आप पाएंगे कि ये सभी सत्य है वही वेदज आर एक्सियम्स मतलब सेल्फ एविडेंट्रुथ जैसे निखिल ने बताया तो उसी के अंदर आगे गए ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ वेद मानवीय ज्ञान के संकलन नहीं है वैदिक ज्ञान आध्यात्मिक जगत से अर्थात भगवान श्री कृष्ण से आता है वेदों का अन्य नाम श्रुति है श्रुति उन ज्ञान की उस ज्ञान की सूचक है जिसे सुनकर अर्जित किया जाता है यह प्रायोगिक ज्ञान नहीं है श्रुति माता के तुल्य मानी जाती है बहुत सारा ज्ञान हमें अपनी माता से ही प्राप्त होता है उदाहरणार्थ यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन है तो इसका उत्तर कौन दे सकता है आपकी माता यदि माता कहती है ये रहे तुम्हारे पिता तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा प्रयोग करके यह ज्ञात कर पाना संभव नहीं है कि आपके पिता हैं कि नहीं इसी तरह यदि आप अपने अनुभव से परे अपने प्रायोगिक ज्ञान से परे अपनी इंद्रियों के कार्यों से परे कुछ जानना चाहते हैं तो आपको वेदों को स्वीकार करना होगा इसमें प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता इसका प्रयोग पहले ही सत पहले ही हो चुका है यह निश्चित हो चुका है उदाहरणार्थ माता के कथन को सत्य मानना होता है इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं होता राइट right. क्या इस पैराग्राफ को हम शीर्षक दे सकते हैं यस इट या टाइटल इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देना द वेद माँ के समान है मतलब क्या है जैसे माँ हमें बताती है पिता कौन है तो वेद का उद्देश्य क्या है अब ये बताना भगवान कौन है उस प्रकार से प्रोपा जी ने बताया वेरी नाइस nice. किसी और का कोई और शीर्षक है इसके लिए वेदा साफ फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड ओके okay, वो केवल एक पॉइंट है आप वेदा सॉन्ग स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलोगे तो फिर आपको बाकी चीज़ याद नहीं आएगी वेदास आर लाइक मद आप कह सकते हैं वेदास आर द अल्टीमेट ट्रुथ जब अल्टीमेट ट्रुथ कहेंगे तो क्यों क्योंकि वह अध्यात्म जगत से आए हैं और यू नो जिनके द्वारा भी बोले गए हैं वो चार डिफेक्ट्स परे हैं इस प्रकार से कह सकते हैं फाइन ओके कंटिन्यू सो वेदाज आर लाइक अवर मदर तो अभी तक हम अगर रिकैप करें इंट्रोडक्शन में किस बात की बात हुई है चार डिफेक्ट्स की बात हुई है चार डिफेक्ट्स के बाद वैदिक फॉलोअर्स कौन होते हैं वेदाज आर सेल्फ एविडेंस यूनिवर्सल नॉलेज और वेद हमारे माँ के समान है ये चार पांच चीज़ों पे बात हुई आगे बढ़ते हैं वेदों को माता माना जाता है और ब्रह्मा जी पितामह पूर्वज कहलाते हैं क्योंकि सर्वप्रथम उन्हें ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दी गई थी प्रारंभ में प्रथम जीव ब्रह्मा जी ही थे उन्होंने यह वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और इसे नारद तथा अन्य शिष्यों और पुत्रों में प्रदान किया जिन्होंने इसे पुनः अपने अपने शिष्यों में वितरित किया इस प्रकार वैदिक ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे चलता आता है भगवदगीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि वैदिक ज्ञान इसी विधि से समझा जाता है यदि आप प्रयोगात्मक प्रयास करें तो भी आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे लेकिन समय की बचत करने की दृष्टि से आपको इस इसे स्वीकार कर लेना चाहिए यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिता कौन हैं और यदि आप, आप, आप अपनी माता को प्रमाण स्वरूप मान लेते हैं तो वे जो कहती हैं उसे आप बिना किसी तर्क के स्वीकार कर सकते हैं साक्ष्य प्रमाण के तीन प्रकार होते हैं प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द प्रत्यक्ष का अर्थ है सीधा प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि हमारी इंद्रिया पूर्ण नहीं है ये, हम नित्य ही सूर्य को देखते हैं और हमें यह उस छोटी सी थाली जैसा लगता है किंतु वास्तव में यह अनेक ग्रहों की अपेक्षा कहीं अधिक विशाल है तो ऐसे देखना किस किस काम का अतः हमें पुस्तक पढ़नी होगी तब हम सूर्य के विषय में समझ सकते हैं अतः प्रत्यक्ष अनुभव पूर्ण नहीं होता तब आता है अनुमान अनुमानित ज्ञान जिसकी कल्पना है यह ऐसा हो सकता है उदाहरणार्थ डार्विन का सिद्धांत बताता है कि यह ऐसा हो सकता है यह वैसा हो सकता है लेकिन यह कोई विज्ञान नहीं है यह एक सुझाव है और यह पूर्ण भी नहीं है किंतु यदि आप प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह पूर्ण है यदि आपको रेडियो स्टेशन के अधिकारियों से कोई कार्यक्रम निर्देशिका प्राप्त हो तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं आप उसे अस्वीकार नहीं करते हैं। इसके लिए आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह ज्ञान प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त तो हुआ All right, तो आपके अनुसार इसका क्या प्रामाणिक शीर्षक होगा लगता है आप लोगों ने शीर्षक पहले की कुछ लाइनों को पढ़ के ही निर्धारित कर लिया तभी आप लोग स्टार्टिंग की लाइनों के बारे में बात कर रहे हैं आगे की तो चर्चा ही नहीं कर रहे

ना अगेन शीर्षक वो है जो प्रमुख जिसका चर्चा हुआ ताकि हमें उसका टाइटल याद करते हैं हमें याद आ जाए क्या बात की गई है और अगर बात करी जाए तीन प्रकार के ज्ञान तो किस किस की बात हुई है प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष में किसका उदाहरण दिया गया सूर्य और उसके बाद अनुमान में किसका उदाहरण दिया गया नाविन सूर्य यू मेमोराइज नाउ नाउ यू कैन स्पीक एज इट इज दोपास इंट्रोडक्शन आल ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ अब शब्द प्रमाण क्या है वैदिक ज्ञान को शब्द प्रमाण कहा जाता है इसका दूसरा नाम है श्रुति है श्रुति का अर्थ यह है कि इस ज्ञान का मात्र श्रवण विधि द्वारा प्राप्त करना होता है वेदों का आदेश है कि दिव्य ज्ञान को समझने के लिए हमें अधिकारी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना चाहिए दिव्य ज्ञान इस ब्रह्मांड की उस पार से आया हुआ ज्ञान है इस ब्रह्मांड के भीतर जो भौतिक ज्ञान है और इस ब्रह्मांड के परे दिव्य ज्ञान है हम ब्रह्मांड के अंतिम शोर तक नहीं जा सकते हैं तो भला हम आध्यात्मिक जगत पर तक कैसे जा सकते हैं इस तरह पूर्ण ज्ञान अर्जित कर पाना संभव है असंभव है ठीक है तो छोटी सी चीज़ है यहाँ पे तीन प्रमाण के बारे में चर्चा की गई है वो पहले पैराग्राफा ही आइए अब आगे पढ़ते हैं एक आध्यात्मिक आकाश है वहाँ अन्य प्रकृति है जो व्यक्त और अव्यक्त के परे हैं लेकिन आप यह कैसे जानते जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जाना तो वे जस्ट टू सॉर्ट आउट आपके लिए जो डिस्कशन है आप क्या कर सकते हैं हर पैराग्राफ को नंबर दीजिए वन टू थ्री फोर अगर आप देखेंगे अगर ये जो हमने अभी छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा है ये पिछले पैराग्राफ से कनेक्टेड है तो अगर आप इन दोनों पैराग्राफ को नंबर देते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ तो आपका फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ टाइटल क्या हुआ थ्री टाइप्स ऑफ एविडेंसेस डज मेक सेंस तो अब आपके लिए पूरा का पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर हो जाएगा इज आर मेकिंग सेंस लाइक दैट सो फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ कौन से पैराग्राफ में क्या कहा गया था आप उस प्रकार से क्लियर टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं अपनी रीडिंग के समय आगे पढ़िए अब अभी स्परिचुअल स्काई की बात है वो पिछले पैराग्राफ से कनेक्टेड आ रहा है है ना कंटिन्यू लेकिन आप यह कैसे यह कैसे जानेंगे कि एक ऐसा भी आकाश है जहाँ ग्रह तथा निवासी शाश्वत है यह सारा ज्ञान उपलब्ध है लेकिन आप प्रयोग कैसे करेंगे यह संभव नहीं है अतएव आपको वेदों की सहायता लेनी होगी यह वैदिक ज्ञान कहलाता है हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम ज्ञान को सर्वोच्च अधिकारी तथा कृष्ण से ग्रहण करते हैं कृष्ण को सभी वर्ग के लोग सर्वोच्च प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं मैं सर्वप्रथम दो प्रकार के आध्यात्मवादियों के विषय में बात करूंगा आध्यात्मवादियों का एक वर्ग निर्विशेषवादी या मायावादी कहलाता है ये सामान्यतः वेदांती कहलाते हैं जिनमें शंकराचार्य प्रमुख है त्रय प्रकार के आध्यात्मवादी वैष्णव कहलाते हैं यथा रामानुजाचार्य मध्वाचार्य विष्णुस्वामी शंकर संप्रदाय तथा तो वैष्णव संप्रदाय दोनों ने ही कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है शंकराचार्य को निर्विशेषवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने निर्विशेषवाद या निराकार ब्रह्म का उपदेश दिया है लेकिन यह तथ्य है कि वे प्रच्छन्न स्व साकारवादी थे उन्होंने भगवद्गीता पर अपने भाष्य में लिखा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण इस दृश्य जगत से परे हैं और आगे फिर वे उसकी पुछ पुष्टि करते हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण स्वयं कृष्ण हैं वे देवकी तथा वसुदेव के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं उन्होंने उनके माता पिता के नामों का विशेष रूप से उल्लेख किया है अतः सभी अध्यात्मवादियों कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं ये इस विषय में कोई संदेह नहीं है कृष्ण भावरामृत में हमारे ज्ञान का स्रोत प्रत्यक्षतः गीता है जो सीधे कृष्ण से आई है हमें भगवद्गीता यथारूप प्रकाशित की गई है की है क्योंकि हमें कृष्ण जिस रूप में बोलते हैं उसी रूप में उन्हें बिना अपनी किसी व्याख्या के स्वीकार किया है यही वैदिक ज्ञान है चूँकि वैदिक ज्ञान शुद्ध है अतएव हमें इसे स्वीकार करते, है। करते हैं कृष्ण जो भी कहते हैं हमें स्वीकार करते हैं हम स्वीकार करते हैं यही कृष्ण भावनावृत्त है इससे समय की काफ़ी बचत होती है यदि आप यही प्रमाण या ज्ञान स्रोत का को स्वीकार करते हैं तो आपके समय की काफ़ी बचत होती है उदाहरणार्थ भौतिक जगत में ज्ञान की दो पद्धतियाँ हैं निगमनिक और आगमनिक निगमनिक विधि में अवरोही आरोही समथिंग वाज राइट हम प्रेजेंटेशन बात कर रहे थे इंडक्टिव डिडक्टिव निगमनिक विधि में आप स्वीकार करते हैं कि मनुष्य मर्त्य है आपके पिता कहते हैं कि मनुष्य मर्त्य प्राणी है आपकी बहन कहती है मनुष्य मर्त्य प्राणी है हर कोई कहता है कि मनुष्य मर्त्य हैं लेकिन आप कोई प्रयोग नहीं करते <laughs> आप इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते कि मनुष्य मर्त्य हैं यदि आप यह ज्ञात करने के लिए शोध करना चाहे कि मनुष्य मर्त्य हैं तो आपको हर मनुष्य का अध्ययन करना होगा तब आप यह सोच सकते हैं कि हो सकता है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो न मरे लेकिन आपने अभी उसे देखा नहीं न हो इस तरह आपको शोध कार्य कभी समापन नहीं होगा संस्कृत में यह विधि आरोह अर्थात ऊपर जाने की विधि कहलाती है यदि आप अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा अपने किसी निजी प्रयास से ज्ञान प्राप्त प्रयास प्राप्त कर करना चाहते हैं तो आप किसी भी सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे ऐसा संभव नहीं अरे कृष्णा किसको याद है क्या चर्चा चल रही थी इस पैराग्राफ में कौन बताना चाहेगा क्या बात हुई है कितने लोग जाग रहे हैं अभी तक क्या पद्म गोविंद प्रभु ओके <laughs> सो okay. so, पद्म गोविंद प्रभु कह रहे हैं हु इज सुप्रीमैलिटी का ठीक है Alright. What else, Chaitanya Bhagwan Prabhu? Krishna is the, highest authority and by the, plus the, plus the Okay. Mm -hmm. Theek hai. Anything else? What do you think is happening? Mother, Mother Neha? Perfect. है और फिर वाला जो उसने और अरे वाह वेरी नाइस टू द पॉइंट सो दो चीजें हैं दो विषय एक है टू टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट एंड टू टाइप्स ऑफ नॉलेज टू टाइप्स ऑफ टू प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग नॉलेज मदर नेहा बिल्कुल टीचर के समान निकली हैं राइट टू द पॉइंट ओके सो पहली है दो टाइप के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं इसको थोड़ा मांग करके रखिएगा ये मेरा लिए विषय वस्तु रहेगा आपको ढंग से समझाने के लिए आगे बट आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ मैं अभी सो so, महत् सेवन द्वारम आहुर्विमुक्त ये श्रीमद्भागवतम का पांचवा स्कंद पांचवा अध्याय आ, दूसरा श्लोक आता है जब ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं महस सेवन द्वारम आहुर् विमुक्तस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांत समचित प्रशांत विमन यवा सुहृदय साध अर्थात अगर कोई व्यक्ति महसेवम महात्माओं की प्रति सेवा करता है तो वह बहुत जल्दी मोक्ष के द्वार को प्राप्त कर सकता है तो जब महसेवम की बात आती है तो प्रश्न उठता है महात्मा कौन है तो शिला प्रोपा जी तात्पर्य में लिखते हैं दो प्रकार के महात्मा होते हैं दो प्रकार के महात्मा श्रीमदभावतम फिफ्थ हैंड फिफ्थ चैप्टर वर्स नंबर टू पढ़ लीजिएगा महासेवन द्वारम आहुत विमुक्त दो प्रकार के महात्मा कौन है इम्पर्सनलिस्ट निरंकारवादी एंड पर्सनलिस्ट जो भगवान के स्वरूप में विश्वास करते हैं प्रभुपात जी कहते हैं यहाँ पर दो प्रकार के ट्रांसजेंडलिस्ट हैं एक तो इम्पर्सनलिस्ट हैं जिनको वेदांतिस्ट भी कहा जाता है और उनको मायावादी भी कहा जाता है सो इम्पर्सनलिस्ट वर्सेस मायावाद और यह कहिए कि इम्पर्सनलिस्ट ही मायावाद है क्योंकि मायावाद के बारे में जब आप आगे पढ़ेंगे तो प्रपात मायावाद का पूर्णतः खंडन करते हैं और यहाँ तक कि आगे के श्लोक में जब अध्ययन करेंगे तो बताया जाता है मायावाद का जो ज्ञान है वह अविद्या है और जो उसका पालन करता है उसको नर्क प्राप्त होता है अगर उसको नर्क प्राप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति की सेवा करके उसको मोक्ष कैसे मिल जाएगा सो वॉट इज द मीनिंग व्हाट इज इम्पर्सनलिस्ट व हु इज अ माएवादी और इसी के लिए तीसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ करिए वेदांतिस्ट वेदांतिष्ट यू नो वो बात कहते थे वेदांतिष्ट जिसके दांत टूट गए हैं वेद अंतष्ट तो वेदांतस्ट सो ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ा आप सोचिएगा वाट इज एन इम्पर्सनलिस्ट हु इज एन इम्पर्सनल हु इज अ माएवादी ये सेम है या अलग है उसके बाद दूसरे ट्रांसजेंडरिस्ट आते हैं वैष्णवश वैष्णवश कौन है रामानुजाचार्य माधवाचार्य इत्यादि जो भगवान के स्वरूप में विश्वास रखते हैं ये तो हुआ एक पार्ट दूसरा पार्ट था इस पैराग्राफ में दो प्रकार से नॉलेज को प्राप्त किया जाता है एक है इंडक्टिव रिसर्च करके डिडक्टिव वरिष्ठों से ज्ञान प्राप्त प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त ज्ञान प्राप्त करके उसी के माध्यम से भगवान को समझ सकते हैं ऑन राइट चलिए अब आगे चलते हैं टू सिस्टम्स ऑफ नॉलेज के बाद सो दे टू टाइटल्स इस बड़े पैराग्राफ के लिए आप दो टाइटल दे सकते हैं प्लस लगा के आगे पढ़िए ब्रह्म संहिता में एक कथन है आप ऐसे वायुयान पर सवार हो जाइए जो मन की गति से उड़ रहा हो हमारे भौतिक वायुयान 2000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकते हैं लेकिन मन की क्या गति होती है आप अपने कमरे में बैठे बैठे भारत के विषय में सोचें जो मान लीजिए 10000 मील दूर हैं तुरंत ही यह आपके घर में पहुंच जाता पहुंच जाता है आपका मन वहां पहुंच गया है मन का वेग इतना तेज है अतएव यह कहा गया है कहा गया है यदि आप लाखों वर्षों तक इस गति से प्राप्त करें तो भी आप पाएंगे कि आध्यात्मिक आकाश असीम है उस तक पहुंच पाना भी संभव नहीं अतैव वैदिक आदेश यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास अनिवार्यतः जाना ही चाहिए यहाँ पर अनिवार्य शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्मिक गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए उसने वैदिक संदेश को सही प्रकार से और सही ढंग से सुना होना चाहिए उसे ब्रह्म में दृढ़ता से स्थापित होना चाहिए ये हैं कि यही यही दो गुण हैं अन्यथा यह प्रामाणिक नहीं है पैराग्राफ बदल गए ओह अच्छा ठीक है ठीक है मेरे में एक ही पैराग्राफ था सो so, ऑलरेडी right, इसके लिए क्या शीर्षक होगा जो पैराग्राफ पे भी चर्चा हुई है व्हाट वुड बी द टाइटल फॉर इट आप लोग के अनुसार गुरु की योग्यता वेरी नाइस या बोनाफाइड गुरु कौन होते हैं सेम वे गुरु की ओर कहते हैं वेरी नाइस हरे कृष्ण आई रिक्वेस्ट अदर्स टू पे अटेंशन एंड थिंक ऑफ इट एज अ टाइटल एजल आगे पढ़िए मुझे लगा वो एक ही पैराग्राफ है अगला पैराग्राफ इंटरेस्टिंग है उस पर ध्यान दीजिएगा यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन वैदिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्णतः प्रामाणिक है भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं शोध का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण की खोज करना है ब्रह्म संहिता में भी यह भी कहा गया है कृष्ण अर्थात गोविंद के अंगनत रूप हैं लेकिन ये सब एक है वे हमारे रूप जैसे नहीं हैं जो कि जो विनाशशील है उनका स्वरूप अच्युत है मेरे स्वरूप का प्रारंभ है लेकिन उनके स्वरूप का कोई आदि नहीं होता वह अनंत हैं और उनका रूप उनके उनके अनेक रूप भी अनंत हैं मेरा रूप तो यहाँ बैठा है वह मेरे घर में नहीं हैं आप वहाँ बैठे हैं और आप अपने घर में नहीं हैं लेकिन कृष्ण एक ही ऐसे एक ही समय प्रत्येक स्थान पर हो सकते हैं वे गोलोक वृंदावन में बैठे रह सकते हैं और उसी समय वे सर्वत्र उपस्थित रह सकते हैं अर्थात वे सर्वव्यापी हैं वे आदि सबसे प्राचीन हैं लेकिन आप जब भी कृष्ण के चित्र को देखते हैं तो वे पंद्रह बीस वर्ष के तरुण दिखते हैं आप कभी भी उन्हें वृद्ध नहीं पाएंगे आपने भगवदगीता में सारथी रूप में कृष्ण का चित्र देखा है उस समय वे सौ वर्ष से कम आयु के नहीं थे उनके प्रपोत्र थे लेकिन वे भी किशोर जैसे लगते थे कृष्ण अर्थात भगवान कभी बुढ़े नहीं होते यह उनकी परम शक्ति है और यदि आप वैदिक साहित्य का अध्ययन करके कृष्ण की खोज करना चाहते हैं तो आप भ्रमित हो जाएंगे ऐसा करना संभव हो सकता है लेकिन वे लेकिन हैं अत्यंत कठिन लेकिन आप उनके भक्त के भक्त से उनके विषय में आसानी से जान सकते हैं उनका भक्त उन्हें आपको दे सकता है ये रहे वे आप स्वीकार करो यह है कृष्ण के भक्तों की शक्ति ऑल राइट right. आप इसको बताना चाहेंगे इसका क्या शीर्षक रहेगा क्या विषय पर चर्चा हो रही है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ओके दैट्स अ सेकेंडरी पॉइंट व्हाट इज अ प्राइमरी पॉइंट लॉर्ड इज ऑल फोर ओके और क्या है हाँ सो प्रश्न ये है भगवान को कैसे समझें और वो बताने के लिए भगवान कौन है इसलिए पहले चर्चा किया गया भगवान के स्वरूप के बारे में हमारे और भगवान में अंतर क्या है हम तो बूढ़े होते हैं भगवान कभी बूढ़े नहीं होते तो अब ये कैसे समझोगे आप हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस क्योंकि आपको कोई ह्यूमन एक्सपीरियंस ही उपलब्ध नहीं है इसलिए चाहे स्मृति हो या श्रुति हो प्रपा जी एक पर्टिकुलर श्लोक को बहुत कोट करा करते थे श्वेताश्वर उपनिषद से छठा अध्याय सत्रवा श्लोक था श्लोक है वो यस्य देवे पराभक्त यथा देवे तथा गुरु तस्वा कथिता ही अर्थ प्रकाशंते महात्मना जिस व्यक्ति का अपने गुरु और भगवान के ऊपर पूर्णता श्रद्धा है उसको स्वाभाविक रूप से भगवान उसके हृदय में विराजमान होकर परमात्मा के रूप में उसको पूरा ज्ञान देंगे जिससे कि वह भगवान को समझ सके तो मतलब गुरु का आश्रय लेना सबसे महत्वपूर्ण है ये केवल भगवदगीता का ही नहीं ये उपनिषद का भी तर्क है इसलिए जिसको बाबा कोट किया करते थे सो so, भगवान को कैसे समझा जाए उस विषय की चर्चा हुई है किस प्रकार से गुरु का आश्रय लेगा ऑल सो दे इज अ फ्लो गोइंग ऑन हियर नाउ ठीक है आगे पढ़ते हैं पढ़िए प्रारंभ में केवल एक वेद था और उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र होती थी कि एक बार आध्यात्मिक गुरु के मुख से सुनकर ही वे इसे समझ लेते थे वे संपूर्ण तात्पर्य को तुरंत ही ग्रहण कर लेते थे लेकिन 5000 वर्ष पूर्व व्यासदेव ने इस कलयुग के लोगों के लिए वेद वेदों को वेदों का, वेदो का लिखित रूप प्रदान किया उन उन्हें पता था कि अंततोगत्वा लोग अल्पयायु होंगे उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत क्षीण होगी और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं होगी अतएव मुझे इस वैदिक ज्ञान को लिखित रूप देकर शिक्षा देनी चाहिए उन्होंने वेदों के चार विभाग किए रीक साम, अथर्व और यजुर तब उन्होंने इस वेदों का कार्यभार अपने विभिन्न शिष्यों को सौंप दिया तब उन्होंने मनुष्य की अल्प अल्पज्ञ श्रेणी स्त्री शूद्र तथा द्विज बंधु का ध्यान आया उन्होंने स्त्री जाति शूद्र जाति श्रमिक तथा द्विज बंधु पर विचार किया द्विज बंधु वे हैं जो उच्च कुल में जन्म तो ले लेते हैं लेकिन सम्यक रूप से योग्य नहीं होते ब्राह्मण परिवार में अत्यंत उत्पन्न मनुष्य को यदि ब्राह्मण के रूप में योग्यता प्राप्त नहीं है तो वह बंधु कहलाता है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने भारत का इतिहास कलाने वाले महाभारत का तथा अठारह पुराणों का संकलन किया इस तरह सारे पुराण महाभारत चारों वेद तथा अनेक उपनिषद ये सब वेदिक कितने उपनिषद हैं है? 108 उपनिषद हैं उस 108 में से अ दस प्लस एक ग्यारह उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद कहा गया है ग्यारह उपनिषद प्रमुख बताए गए हैं कौन से ये ग्यारह उपनिषद हैं जिस पे ज़्यादातर हमारे आचार्य के द्वारा कमेंट्री की गई है शंकराचार्य जी ने भी कमेंट्री करी है रामानुजाचार्य जी ने कमेंट्री करी है माधवाचार्य जी ने कमेंट्री करी है बलदेव विद्याभूषण जी ने भी कमेंट्री करी है पर दुर्भाग्यपूर्ण आप उसमें से केवल ईश्वपनिषद की ही कमेंट्री उपलब्ध है बाकी कमेंट्रीज खो चुके हैं वह क्या है मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड ठीक है ईश केना कथा मुंडा चा तो इश उपनीश्ञ 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 प्रश्न उपनीश्ञ मुंडा मांदुक्यती आयत्रियम चांदोज्यम बृहद आरण्य कम तथा तो ईशा ईश उपनिषद केन उपनिषद कथा उपनिषद प्रश्न उपनिषद मुंडा मांडुक्य उपनिषद आयत्रिय उपनिषद चांदोग्य उपनिषद बृहद Uh, आरण्य का उपनिषद इस प्रकार से दस और प्लस ग्यारवा है श्वेता अश्वत्थरा उपनिषद इन ग्यारह उपनिषद को प्रमुख उपनिषद मना माने गए एक सौ में से प्रमुख एंड ऑफ कोर्स मुझे एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता बट मैनी ऑफ देम हैव बिन लॉस्ट काफ़ी खो चुके हैं हम लोग हम पे वो उपलब्ध नहीं है तो इस प्रकार हमारे आचार्यों ने इसके ऊपर चर्चा करी है ऑल राइट चलिए इस पर बात पर आएंगे आगे कंटिन्यू करिए आ, कितने उपनिषद हैं 108 उपनिषद हैं पंचरात्र कितने हैं वो भी 108 हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने इतिहास कहलाने वाले महाभारत तथा अठारह पुराणों का संकलन किया इस तरह सारे पुराण महाभारत चार वेद तथा अनेक उपनिषद ये सब वैदिक साहित्य का के अंश हैं उपनिषद वेदों के अंश हैं तत्पश्चात ने विद्वानों तथा दार्शनिकों के लिए समस्त ज्ञान का सार सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया विधान सूत्र है आपका न्याय भाग न्याय भाग क्या होता है जिसके माध्यम माध्यम से आ, से लॉजिक के तथ्य को स्पष्ट करना समझाना हम्म अच्छा खत्म हो गया इंग्लिश में एक साथ ठीक है इसका शीर्षक आप क्या रखना चाहेंगे बताइए विदान सूत्र वो तो यार एक ही शब्द है डिस्क्रिप्शन ऑफ वेदास वेदास डिवाइडेड और क्या वेदास को लिखना पड़ा ठीक है अगर मैं कहूँ शीर्षक अगर ये है वेदास फॉर एवरी वन ठीक है अगर आपको संतुष्टि मिलती है उस शीर्षक से हम फाइन एट द एंड ऑफ द डे पॉइंट इज हमें याद रहना चाहिए क्या लिखा गया था मैं अगर ये कहूँ वेदास आर वास्ट तो कैसा रहेगा ये मतलब बहुत विशाल है वेदास पहले तो चार भागों में बांटा गया ऋग यज रथर व उसके बाद उसमें उपनिषद भी हैं पंचरथल्स भी हैं उसके बाद इतिहास पुराना इत्यादि इत्यादि सो अगर देखा जाए उस दृष्टिकोण से ये बहुत बहुत विशाल है ये कोई छोटा सब्जेक्ट मैटर नहीं है ऑन राइट right. और उसके बाद फिर श्रुति स्मृति के बाद न्याय शास्त्र जिसकी रचना की गई उसमें है वेदांत सूत्र और वेदांत सूत्र की भी कमेंट्री लिखी गई जिसका नाम है श्रीमद भागवतम आइए अब आगे, आगे पढ़िए अपने गुरु महाराज नारद जी के आदेश आदेशानुसार वेदांत सूत्र की रचना की लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए यह एक लंबी कथा है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है व्यासदेव अनेक पुराणों तथा तो उपनिषदों का संकलन कर लेने के बाद यहाँ तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी अत्यंत अधिक संतुष्ट नहीं थे तब उनके गुरु नारद जी ने आदेश दिया आप वेदांत सूत्र की व्याख्या करो वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान तथा चरम ज्ञान और चरम ज्ञान कृष्ण है कृष्ण कहते हैं कि समस्त वेदों में मनुष्य को कृष्ण को ही जानना चाहिए वेदांत वेद विदे हम चाहम कृष्ण कहते हैं मैं वेदांत का संकलन करता हूँ और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ अतएव चरम लक्ष्य को तो कृष्ण है वेदांत दर्शन के समस्त वैष्णव भाषियों में इसकी व्याख्या की गई है हम गौड़ीय वैष्णो का वेदांत दर्शन पर हम हमारा अपना भाष्य है जो गोविंद भाष्य कहलाता है और यह बलदेव विद्याभूषण द्वारा प्रणीत है इसी प्रकार कृत भाष्य है और माधवाचार्य का भी भाष्य है शंकराचार्य का भाष्य ही एकमात्र भाष्य नहीं है वैसे तो वेदांत के अनेक भाष्य हैं लेकिन चूंकि वैष्णवों ने वेदांत भाष्य प्रथम प्रस्तुत नहीं किया कियाते लोगों में यह गलतफहमी बनी हुई है कि शंकराचार्य द्वारा लिखित वेदांत भाष्य ही एकमात्र भाष्य है इसके अतिरिक्त स्वयं वेदव्यास ने पूर्ण वेदांत भाष्य भागवतम लिखा है भागवतम वेदांत सूत्र के प्रथम वाक्य से प्रारंभ होता है जन्मादश्य यतः इस जन्मादश्य यत की पूर्ण विवेचना भागवतम में हुई है वेदांत सूत्र केवल इतना ही इंगित करता है कि परम सत्य या ब्रह्म कौन क्या है परम सत्य वे हैं जिसने जिनसे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है यह सारांश है किंतु भागवतम में इसकी विशद व्याख्या हुई है यदि प्रत्येक वस्तु परम सत्य से उद्भूत है तो उन परम सत्य की प्रकृति क्या है इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में की गई की हुई है परम सत्य को चेतना स्वरूप होना चाहिए वे स्वराट स्वतः तेजमान हैं हम अन्यों को ज्ञान प्राप्त करने करके अपनी चेतना तथा ज्ञान को विकसित करते हैं लेकिन भगवान के लिए कहा गया कि स्वराट तथा अर्थात स्वतः तेजमान हैं वैदिक ज्ञान का संपूर्ण सार वेदांत सूत्र है और इस, इस वेदांत सूत्र की व्याख्या लेखक ने स्वयं ही श्रीमद् भागवतम में की है अतः अंत में हमारा निवेदन है कि जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान की व्याख्या समझना चाहते हैं वे उसे श्रीमद् भागवतम तथा गीता के द्वारा समझने का प्रयास करें। ऑल राइट्स right. इसका शीर्षक आप क्या देना चाहें अभी एक पैराग्राफ रह गया ना अच्छा हिंदी में खत्म हो गया सारा ओह ये यही करेक्ट करे करेक्ट सॉरी आई हैव अ इंग्लिश बुक कंफ्यूज कन्फ्यूज यस व्हाट इज अ शीर्षक चेतन भगवान प्रभु ओके भागवतम पूर्ण ज्ञान है ओके ठीक है सो पहला जो टाइटल था वो था अगर हम अगर टाइटल देते हैं वेदिक नॉलेज इज वास्ट तो वह जो विषय था समाप्त हुआ था वेदांत सूत्र से और वेदांत सूत्र से समाप्त होने के बाद प्रभुपात अब आगे चर्चा करते हैं वेदांत सूत्र की नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद भागवतम और उसके बाद यहाँ बताया गया है कि कैसे वेदांत सूत्र के ऊपर यू नो गौड़ वैष्णव की भी अपनी फिलासफ़ी है जिसका नाम है आ, गोविंद भाष्य लाइक दिस आ, उसके बाद ऊपर बताते हैं केवल रामानुजाचार्य ने जी भी लिखी है माधवाचार्य जी ने भी कमेंट्री लिखी है केवल शंकराचार्य नहीं है जिन्होंने वेदांत पर कमेंट्री लिखी हो और और एक्चुअल कमेंट्री तो तो एक्चुअल ऑथर के द्वारा ही लिखी गई है वेदांत सूत्र पे जो ऑरिजिनल कमेंट्री लिखी गई है वो तो व्यास देव के द्वारा ही लिखी गई है और उस कमेंट्री का नाम है श्रीमद् भागवतम तो ये श्रीमद् भागवतम है वो हमें सिखाती है वेदांत या वैदिक नॉलेज का जो सार उद्देश्य है वो भगवान की शरण लेना भगवान की सेवा करना एंड ऐसा उपाय कंक्लूड करते हैं जो वैदिक ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं आई एम रीडिंग द लास्ट लाइन हमारी उनसे ये प्रार्थना है कृपा करके आप श्रीमद भागवतम और भगवदगीता जैसे ग्रंथ को पढ़ने का प्रयत्न करें यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट वैदिक नॉलेज तो अगर आप अगर पिछले शीर्षक पैराग्राफ को शीर्षक देते हैं वैदिक नॉलेज इज वास तो इस पैराग्राफ को आप शीर्षक दे सकते हैं श्रीमद भागवतम इज द एसेंस डेक सेंस दैट वैदिक नॉलेज बहुत विशाल है तो यहाँ पे क्या बात करी गई भागवतम इज एसेंस भागवतम से हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है ऑल राइट right, तो कोई कुछ अगर किसी ने शीर्षक लिखे हैं अगर ये जो मेरा थोड़ा एफर्ट है अगर आप लोगों को विट इज मेकिंग सेंस वनी वन लाइक टू गिव क्विक समरी टाइटल वाइज क्या चल रहा है प्रोपा जी ने इंट्रोडक्शन में क्या बताने का प्रयत्न किया है सोचिए अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन पे अपनी तरफ से अगर आपको आधा पौन घंटे का प्रवचन दे भी देता समझा भी देता आपको कुछ पॉइंट्स शायद अच्छे भी लगते हैं पर मैं आपसे पूछता रिकैप करिए हमें से कितने लोगों थे शायद ही रिकैप कर पाते कर पाते भी तो कुछ पॉइंट्स रिकैप कर पाते अब आप में से ज़्यादातर सभी लोग अब रिकैप कर सकते हैं प्रोपा जी ने इंट्रोडक्शन में क्या बोला है तो कोई सो कैसा रहा इंट्रोडक्शन कितने को लगा इंट्रोडक्शन मेमोराइज हो गया हाथ खड़ा करो अगर मैं आपको रात को सोते हुए उठाऊं प्रभु इंट्रोडक्शन सुनाओ तो कौन कौन इंट्रोडक्शन तोते की तरह टप 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 बता देंगे प्रूपा जी ने क्या लिखा जो मीन कॉन्सेप्ट इस क्लियर एम जस्ट जोकिंग ऑन दैट साइड सो आई एम गोन ए यूज दिस मैथडोलॉजी एक्टिवली बिकॉज थोड़े पर्पज थोड़े बड़े रहेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़े यू नो टर्मिनोलॉजीज ऐसी रहेंगी तो थोड़ी जटिल रहेंगी ताकि हम भ्रमित ना हो जाए भूल ना जाए विषय क्या चल रहा है तो कृपा करके ईश्वपनिषद पढ़ते समय हर पैराग्राफ का टाइटल दीजिएगा और आप चाहें तो एक नोटबुक बनाइए उसमें लिखिए इंट्रोडक्शन और वहाँ लिखिए पैराग्राफ नंबर उसका टाइटल पैरा वन टू टाइटल पैरा थ्री उसका एक्सक्लूसिव टाइटल पैरा फोर एक्सक्लूसिव पैरा फाइव सिक्स उसका कंबाइंड टाइटल ऐसे करके आप नोट्स बनाएंगे तो आपको जब आप अपने समय में अध्ययन करेंगे आपको पढ़ना आसान रहेगा तो आपका क्लास अटेंड करने का भी फायदा हुआ क्योंकि आपने एक बार प्रपात जी का तात्पर्य भी पढ़ लिया साथ ही साथ जब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो अपने नोट्स को रखेंगे तो इट विल बी वेरी क्विक रिकैप इज आर मेकिंग सेंस सो so, all right लेट्स टेक अ ब्रेक now इनफैक्ट fact it's ट्वेंटी नाव मे बी वी कैन टेक अ ब्रेक और मे बी वी कैन हैव सम क्वेश्चन अगर आपके किसी के कोई प्रश्न है आ, मुझे लग रहा है आज के लिए थोड़ा हो गया है आ, क्योंकि जो तीसरा सब्जेक्ट है वो थोड़ा हैवी है, है हो जाएगा <laughs> उसको मैं अगली बार इन्वोकेशन के संग लेता हूँ और आपको अगर ईशोपनिषद का एक उदाहरण दूँ तो आइए इन्वोकेशन पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगा ईशोपनिषद क्या है

यज्ञ ब्राह्मण के संग बैठ के किसी यज्ञ में बैठेंगे ना तो आप ये श्लोक सुनेंगे और क्या वो बोलेंगे ओम शांति 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 एंड द फाइनल आहुति डाली जाती है ये बहुत फेमस श्लोक है ये ईश्वर का भाग नहीं है इसको यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा अपनी कमेंट्री में सर्वप्रथम लिखा गया था उसके अनुसार शिला प्रपात जी ने अपनी कमेंट्री में भी इसको उपयोग मिलाए हैं इसका बाकी इतिहास उसके बारे में चर्चा हम अगली बार करेंगे पर मैं आपको ये श्लोक क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ट्रेलर दे रहा हूँ क्या ट्रेलर है जरा काउंट करिए कितनी बार पूर्ण शब्द श्लोक में आया है Somebody quickly count and tell me how many times पूर्ण शब्द uh, सात बार, ठीक है मतलब चिंता मनी। जरा इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़िए फिर हम हिंदी में भी पढ़वाएंगे Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because He is the complete whole. Even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete whole. What is the complete understanding of this complete whole? किसको completely समझ आया जरा बताओ? ये आप complete के चक्रव्यूह में फंस के completely भूल गए हैं क्या चल रहा है? All right हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। भगवान परिपूर्ण है। और चूंकि वह पूरी तरह से पूर्ण है अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव जैसे कि ये दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है चूंकि वह संपूर्ण है अतएव उनसे यद्यपि ना जाने कितनी पूर्ण इकाइयाँ उद्भद होती हैं तो वह भी पूर्ण रहते हैं पूर्ण पूर्ण एंड पूर्ण एवं पूर्ण ऑल राइट right. अरे ये तो ट्रांसलेशन है अभी परपट में जाओगे ना परपट में तो और भी पूर्ण आएगा सो <laughs> right. so, ये आ, किसी को थोड़ा लगा कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग चल रहा है जरा हाथ खड़ा करो थोड़ा का कंफ्यूजिंग लगा हो थोड़ा हैवी लगा हो सो so, इसलिए आप लोग के संग मैंने ये बैठ के आज ये पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा और कैसे पढ़ना है उसके बारे में उदाहरण दिया uh, और दिस कैन वी अ प्रेजेंटेशन प्लीज़ सो so, इंट्रोडक्शन का अगर देखा जाए तो ये संक्षिप्त में समरी रही है यहाँ पे वेद क्या है हमें गाइडेंस की आवश्यकता क्यों जरूरत है और भगवान को कैसे जान सकते हैं ये तीन प्रमुख विषयों पे चर्चा की गई है ये केवल मैंने उदाहरण दे रखे हैं कैसे करके लाइक दिस और ये हैं आपके शीर्षक वाइज एक वे है टाइटल प्रेजेंट करने का आप उसको अपनी तरफ से भी कर सकते हैं फाइन बाकी सब हम सब्जेक्ट में मिलेंगे ऑल राइट right. किसी का कोई प्रश्न वी कैन टेक द स्लाइड ऑफ किसी को कोई जिज्ञासा आज के सत्र को समाप्त करने से पहले और जो वैदिक नॉलेज का जो चार्ट है वो हमने आज नहीं देखा है उसको हम अगले सत्र में देखेंगे सो ऑडियो खराब होने के द्वारा जो मदर श्यामा वल्लभी के द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था मैं उसको यहाँ पैराफ्रीज करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि शिला व्यासदेव जी ने इतनी मेहनत करी इस पूरे वैदिक शास्त्रों को इस प्रकार से अलग अलग भागों में पाठ कर इतने विस्तार शास्त्र को लिखा परंतु कलयुग के बारे में जो चर्चा आती है हमसे एक साधारण सी भगवदगीता नॉट साधारण छोटी सी भगवदगीता का भी अध्ययन नहीं करा जाता अध्ययन करते भी हैं तो हमें कुछ याद नहीं आता तो प्रश्न ये बनता है शिला व्यासदेव जी ने ये व्यासदेव वेदाओं को लिखा वो किसके लिए लिखा क्योंकि कलयुग में तो वैसे भी सब कुछ उपलब्ध नहीं है उसका क्या उद्देश्य है उससे हमें क्या प्राप्त होगा और कलयुग की तो भी शुरुआत में नहीं है आगे जाके कलयुग की जो स्थिति होगी उसमें लोग किस प्रकार से इस वैदिक साहित्य और इस वैदिक नॉलेज का उपयोग कर पाएंगे क्यों व्यासदेव जी ने इतनी मेहनत करी वैदिक शास्त्रों को लिखने की दैट डेट अ क्वेश्चन देखिए जो शिला व्यासदेव जी ने सब कुछ कृत किया मेहनत करी आ आया इस ये शब्द उपयोग किया गया भागवतम ये बताने के लिए आ, कि कैसे व्यासदेव जी ने यू नो दिस इज़ द बिग एंडवर टू कंपाइल एवरीथिंग वो सब किया परंतु वो सब करने के बाद भी उनका मन खुश नहीं था और हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद के चौथे पांचवें अध्याय से फिर नारद मुनि जी आते हैं और उनको बताते हैं उनकी डिससेटिस्फेक्शन का कारण तो जो श्रीमद् भागवतम जो 18 प्रमुख पुराण हैं उसमें से एक पुराण भी कहा जाता है श्रीमद् भागवतम आ, तो कहा जाता है कि ऐसे नहीं है शिला व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना नहीं करी थी श्रीमद् भागवतम की रचना ऑलरेडी कर चुके थे परंतु उसमें भी जो भक्ति का जो विषय या जोर होता है वो उन्होंने अधिक नहीं दिया था उसके अंदर भी एक ब्रिज प्रोग्राम प्रस्तुत किया था जिसको देखकर कर बहुत क्रोधित हुए थे और नादमुनि ने इसलिए व्यासदेव जी को डांटा था कि आपने ये ब्रिज प्रोग्राम के नाम पे ब्रिज मीन्स यू नो जो सेंशुअल लोग हैं उनको भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए ब्रिज प्रोग्राम बनाया जाता है जहाँ हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा सेकुलर रूप में देते हैं हम जहाँ डायरेक्टली कृष्ण या भगवान की भक्ति के बारे में बात नहीं करते बट मिक्स रूप में प्रेजेंट करते हैं उस से पहले प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद नारद मुनि से समझने के बाद कि मैं भी क्यों खुश नहीं हूँ क्योंकि मैंने भगवान की भक्ति के बारे में पूर्णतः चर्चा नहीं करी है ही एडिटेड एंड दैट्स हाउ दिस फाइनल वर्जन ऑफ भागवतम केम आउट लाइक दिस तो कलयुग के लिए क्या क्या है सो so, कलयुग के लिए जैसे स्वयं व्यासदेव जी ने सभी आ, कुछ लिखने के बाद वेदांत सूत्र की रचना करी और वेदांश सूत्र लिखने के बाद उस पर कमेंट्री दी श्रीमदभागवतम सो so, आप देखते हैं जब वेद संस्कृति में जो ग्रंथ होते हैं उसका एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है यू नो विषय का पहले इंट्रोडक्शन होती है फिर जनरलाइजेशन होती हैं जितना जितना विषय आगे बढ़ता जाता है उतना उतना महत्वपूर्ण होता जाता है तो जो आखिरी ग्रंथ जो लिखा गया है शिला व्यास जी के द्वारा वह है श्रीमद भागवतम सो कलयुग के लिए आ, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ है जो आगे आने वाला समय है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहेगा हमारा श्रीमद भागवतम उसका हमें उसका अध्ययन करना चाहिए उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए जितने लोग इसको प्राप्त कर पाएंगे उनके जीवन में परिवर्तन आएगा आ, रही बात बाकी वैदिक नॉलेज की उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब हमें शिला उपाध्य के तात्पर्य के माध्यम से हमें निष्कर्ष अगर हमें उपलब्ध हो चुका है तो हमें अपने आप रिसर्च करके निष्कर्ष खोजने की आवश्यकता ही क्या है कि भगवान कौन है भगवान है या भी नहीं है हाँ उस प्रकार से सो फॉर ऑल द टाइम टू कम श्रीमद् भागवतम की दर्शनी हिस्ट्री श्री चैतन्य महापुर लव्ड श्रीमद् भागवतम और आप देखेंगे शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका प्रचार करने के लिए गए थे तो अपने संग भगवद गीता लेकर नहीं गए थे कौन सा ग्रंथ लेकर गए थे श्रीमद् भागवतम ही हैड द बॉक्सेस ऑफ फर्स्ट हैंड टू श्रीमद भागवतम वो लेकर गए थे शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं बुक वितरण करी है तो कौन सी बुक वितरण करी है भागवतम उन्होंने अपने हाथों से जो ग्रंथ वितरण करें वह है श्रीमद् भागवतम वो बात अलग है हम आजकल भगवदगीता के वितरण पे बहुत जोर देते हैं बट इट इज भागवतम जो स्वयं शिला प्रूपा जी अपने संगमायिका लेकर गए स्वयं प्रूपा जी ने जो बुक वितरण करा है वह भी स्वयं भागवतम का किया है भागवतम जो उसका ट्रांसलेशन था प्रूपा जी का लाइफ मिशन था लाइक दिसट आई होप इट आंसर्स टू योर क्वेश्चन Is it okay. ओके क्योंकि श्रीमद भागवतम का थोड़ा वितरण जटिल हो जाएगा इसलिए पप्पा जी ने एटलीस्ट छोटी बुकों का करो इससे हम खुशी खुशी जाके वो दस दस रुपए की पी की बांट करा जाते हैं सड़कों पे और थोड़े जो सीजन होते हैं वो गीता दे आते हैं और फिर हमारे आनंद की सीमा नहीं रहती हम गीता का वितरण करके आए पर एक्चुअल वितरण ही था तो श्रीमद भागवतम Isn't it? Prabhupada did that? Yes? Or no? Like this? That's a book distribution. Fine.